हीरो को तो हीरो बंदी मत सिखा और तेरे इस बाप को छू मत सिखा अच्छा भोला सा एकदम मासूम है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा Who the hell is Pablo? इकतीस मार्च की रात हर हिंदुस्तानी गुड नाइट बोल के सोएगा लेकिन वफादारी कभी कम नहीं होनी चाहिए लैला हिंदुस्तान की हर आम आदमी को लूटना चाहता है एक आम इंसान की हाय में कितनी हाई वोल्टेज का झटका होता है वो मैं लेना कब्ताऊंगा मिल गया सर मेरा बेटा कोई why? वर्ल्ड और हम पूरे इंडिया के बैंक अकाउंट्स हैक करके सारा पैसा मैं कभी दोस्तों को धोखा और दुश्मन को मौका दे देश के लिए काम करोगे बबलू सर मैं परिंदे जैसा हूँ मेरी कोई बाउंड्री नहीं ना मैं किसी का और ना कोई मेरा आप ये काम हो चलेगा असली हीरोपंती लोगों से जीतने में नहीं लोगों को जीतने में फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो कैसे हो दोस्तों दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज रिलीज हुई हीरोपंती तो बॉलीवुड so, के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत फिल्म हीरोपंती से की थी अब वे एक लंबा सफर तय करके हीरोपंती 2 के साथ वापस अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बहने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में वो सब कुछ है जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए जरूरी है फिल्म में टाइगर के अलावा बेहद खूबसूरत तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दकी लीड रोल में हैं। फिल्म का हीरो यानी बबलू राणावत एक अम्बिशियस हैकर है जो नतीजे की परवाह किए बिना लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसा उनसे ठगी करता रहता है बबलू को इन नाया से प्यार होया होता है जो और कोई नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लैला की बहन होती है लेला कोई आम नहीं बल्कि बेहद शातिर ठग होता है जो प्लस नाम का ऐप बनाता है जिसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के बैंक डिटेल्स वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि वह इतिहास में सबसे बड़ी ठगी को अकेले अंजाम नहीं दे सकता बल्कि इसे करने के लिए उसे एक और शख्स की मदद लेनी होगी अब वो शख्स कोई और नहीं पबलू होता है लैला को सबसे बड़ी चोरी के में मदद के लिए राजी होने के साथ बबलू समझ जाता है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती यहां तक कि उसका प्यार इनाया भी नहीं जिसके लिए उसे यह सब करना पड़ता है दरअसल बबलू को लैला के साथ फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के दिन यानी इकतीस मार्च को चोरी को अंजाम देना होता है जब सभी के बैंक अकाउंट्स पैसों से भरे रहते हैं बबलू का जमीन तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह जो इस ठगी का शिकार होती है उससे होती है लैला को इस बात का पता चलते ही वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है इसके बाद बबलू सभी को जेल में भेजने की कसम खाता है अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि क्या लैला बबलू को मार देता है क्या बबलू हैकिंग से फैले इस साम्राज्य को खत्म कर पाएगा क्या बबलू और एनाया एक हो पाएंगे क्या क्या एनाया के सामने आ पाएगी अपनी भाई की सच्चाई? और बबलू लोगों से चुराए गए पैसे सभी को वापस कर पाएगा तो इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब के लिए आपको हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा ड्रामा और एंटरटेनमेंट के मामले से भरपूर एक्शन धमाका फिल्म है हीरो पंथी एक्टिंग के मामले में फिल्म की बेहद शानदार कास्ट ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है जिसमें हमेशा की तरह टाइगर अपने डांस और एक्शन से सभी को अपना दीवाना बनाते नजर आ रहे हैं जबकि नवाज ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार के साथ न्याय करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी है तारा भी अपने किरदार में जंच रही हैं। फिल्म में अमृता सिंह ने भी अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया है बात डायरेक्टर की करें तो कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान फिल्म को एक्शन से लेकर डांस के मामले में एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं फिल्म की कमाल है जिसे बड़े लेवल पर विदेशों में शूट किया गया है साथ ही फिल्म का म्यूजिक बेहद कमाल का है जिसे ए आर रहमान द्वारा कंपोज किया गया है ऐसे में इस डांस ड्रामा और एक्शन से भरपूर कुछ देखना चाहते हैं तो टाइगर की हीरोपंथी टू एक सही चॉइस होगी तो टाइगर शॉफ की हीरोपंथी को दूसरी बार स्क्रीन पर देख सकते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों में हीरोपंथी टू भी हुई है टाइगर श्रॉफ के स्टंट तारा सोतारिया की ब्यूटी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लैला अवतार इस फिल्म की जान है जब भी बॉलीवुड में फिटनेस और एक्शन की बात होगी तो टाइगर श्रॉफ के नाम के बिना ये लिस्ट अधूरी ही रहेगी। टाइगर श्रॉफ का यही स्वैग आपको उनकी हालिया रिलीज हीरोपंती टू में भी देखने को मिलेगा याद दिला दे ये टाइटल टाइगर के लिए इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत उन्होंने हीरोपंती फिल्म से ही की थी हीरोपंती 2 को कारोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने एक अच्छी बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाई है इसकी झलक तो इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ खूबसूरत तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दकी भी लीड रोल में है फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक साजिद नाडियाडवाला है कहानी कुछ ऐसी है बबलू राणावती यानी के टाइगर श्रॉफ एक बड़ा हैकर है जो लोगों को अलग अलग तरीके से फंसा कर फ्रॉड करता है बबलू की लव स्टोरी इन नाया से चल रहा है और एक इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लाला की बहन भी है लाला एक छात्र ठग है जो अपनी बनाई मोबाइल ऐप से लोगों के बैंक डिटेल्स आसानी से हासिल कर लेता है वो इस ऐप की मदद से एक बड़ी ठगी को अंजाम देना चाहता है जिसमें उसकी किसी हैकर की जरूरत होती है उसके सामने एक ही विकल्प है वि, विकल्प है कि के में वो बबलू की मदद ले अपने प्यार के लिए ये करने के लिए लिए बबलू करने राजी हो जाता है तो तय होता है कि इकतीस मार्च को चोरी को अंजाम दिया जाएगा जब सभी के बैंक अकाउंट्स में काफी मोटी रकम पड़ी होती है लेकिन जब बबलू की मुलाकात अमृता सिंह से होती है तो उसे पता चलता है कि वो जो कर रहा है वो कोई सही काम नहीं है उसका जमीर जाग जाता है लहला इस बात से बौखला जाता है और बबलू को मारने के लिए अपने गुर्गे भेजता है जिसके बाद बबलू सभी को जेल में भेजने की कसम खाता है अब बबलू हैकिंग से ठगी के इस साम्राज्य को खत्म करने के अपने प्यार को वापस पाता है यही एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट हीरोपंती टू की कहानी है फिल्म सभी कलाकारों को काम अच्छा है अच्छी फिल्म आपको थोड़ा रोमांचित जरूर करती है हंसाती है, अच्छे गाने गुनगुनाने को देती है और अच्छी कहानी से बांधकर रखती है तो सारी पैकेजिंग आपको हीरोपंती टू में मिलेगी टाइगर श्रॉफ तो हर फिल्म के साथ निखर कर आ ही रहे हैं उनका स्वैग और स्टाइल और एक्शन तीनों एक फिल्म की जान है डांस में भी उन्होंने कई अच्छे हुक स्टेप्स यंग ऑडियंस के लिए पेश की है वही यही वजह है कि उनका नाम नए दौर की बॉलीवुड की एक्शन एंटरटेनमेंट का पर्याय बन चुका है तारा सुतारिया की खूबसूरती की जितनी बात की जाए उतनी कम है वह हर फ्रेम में दिलकश लगी हैं और टाइगर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही बहुत ही बेहतरीन रही है अमृता सिंह के नाम भूमिका भले ही छोटी है लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ वही लेकर आती है कहते हैं कि अच्छी फिल्म तभी बनती है जब हीरो को विलेन टक्कर का मिले और इस मामले में हीरोपंती 2 एक शानदार फिल्म है लैला के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अरसे तक याद रखा जाएगा उनकी अदायगी और टाइगर का एक्शन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई देने की भरपूर गुंजाइश रखते हैं कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने यंग मूड को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है और इस पर वाह खरे भी उतरे हैं फिल्म को उन्होंने कर कर रखा है जिससे कहीं से भी उबाऊ नहीं लगती फिल्म के सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और ए आर रहमान का म्यूजिक आपको थिएटर में से फिल्म देखने की एक और वजह देता है तो गर्मी वाला यह वीकेंड आप अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ बिताना चाहते हैं तो आप टाइगर की हीरोपंती टू एक अच्छी चॉइस साबित होगी दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती से अपना करियर शुरू किया था यह तो हम सभी जानते ही हैं और अब हीरोपंती टू आई है इस बीच टाइगर ने एक एक्शन स्टार के तौर पर अपनी जगह बना ली है लेकिन यह फिल्म देखकर लगता है कि टाइगर कब तक ऐसा करते रहेंगे और हम कब तक ऐसी फिल्में झेलते रहेंगे टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती टू में तारा सुत्तरिया और नवाजुद्दीन सिद्ध लीड रोल में नजर आए हैं कहानी क्या है मुझे याद ही नहीं बस यही कहानी है थोड़ा थोड़ा याद है कि टाइगर बबलू नाम के हैकर हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन टाइगर को नवाज की बहन तारा सु से इश्क हो जाता है और बस फिर वही होता है जो हम सालों से देखते और झेलते आ रहे हैं फिल्म में नवाजुद्दीन छाए हुए हैं नवाजुद्दीन ने लैला नाम के विलन का किरदार बखूबी निभाया है जो लड़कियों की तरह ज्वेलरी पहनता है नेल पॉलिश लगाता है नवाज का अंदाज गजब का है जो वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं और उसी वक्त आपको लगता है कि टिकट के पैसे वसूल है मेरे भाई नवाज का अंदाज देखने लायक है टाइगर की एक्टिंग के बारे में कहा ही कहें क्या ही कहें टाइगर ने वही किया है जो करते हैं टाइगर की फॉलोइंग कमाल की है अब वक्त है तो कुछ नया करें कुछ प्रयोग करें इमोशनल सीन में टाइगर कॉमेडियन लगते हैं एक ही चीज में जमते हैं वो है एक्शन और डांस लेकिन ये सब हम बहुत देख चुके हैं बार बार एक ही चीज के पैसे क्यों दें और ये सब टाइगर हमें इंस्टाग्राम पर भी दिखा देते हैं तारा सुतरिया ने इतनी ओवर एक्टिंग की है कि आज वो ओवर एक्टिंग भी बुरा मान गई होगी ओवर एक्टिंग के मामले में वो ओवर एक्टिंग की क्वीन है टाइगर की मुंह बोली माँ के किरदार में अमृता सिंह ठीक ठाक है आवाज हर जगह छाए हैं टाइगर नवाज के सामने नहीं टिक पाते। फिल्म में वेब सीरीज फैमिली मैन टू में चेलम सर का किरदार निभाने वाले उदय भानु महेश्वर भी हैं और वो भी विलन है फिल्म की बाकी विलन भी दमदार है वैसे तो विलन मजबूत हो तो हीरो की हीरोपंती और खुलकर सामने आती है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया यहां विलन ही छाए रह गए और तौर पर नवाजुद्दीन सिद्ध की अगर नवाज के फैन हैं तो देख सकते हैं और अगर टाइगर के पक्के तो बार बार देख सकते हैं तो एक बार आप ये फिल्म जरूर देखिए और जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को एंटरटेन करने का फुल देने की तैयारी में है साल दो की ईद पर

मेंबर उमेर संधू ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के जरिए बताया कि आखिर यह फिल्म कैसी है जाने माने फिल्म पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर ने हीरोपंती 2 के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा हीरोपंती 2 सेंसर बोर्ड में देख रहा हूं फलॉन एक्शन ही एक्शन टाइगर श्रॉफ डैशिंग लग रहे हैं फिल्म देखने के बाद उमैर संधु ने ट्वीट पर लिखा ओवरसीज सेंसर में से हीरोपंती टू का पहला रेव्यू तौर पर ये फिल्म एक टिपिकल मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो एक्शन में काफी हाई है और टाइगर श्रॉफ नवाजुदीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस का पूरा फोकस एंटरटेनमेंट है बिना फिल्म बिना किसी शक के साल 2022 की बेस्ट हिंदी एक्शन फिल्म होगी तो अपने इस रैवियो के बारे में बात करते हुए मैर संधु ने अदाकारा तारा सुतारिया की जमकर आलोचना की है उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा तारा सुतारिया बॉलीवुड की सबसे खराब एक्ट्रेस हैं जो मैंने अब तक देखी हैं सुंदरता जीरो एक्टिंग स्किल के जीरो है भगवान कौन लोग इस फिल्म दे इस फिल्म दे देते हैं ये ट्वीट आप यहाँ देख सकते हैं तारा सुत हैश इज द वर्स्ट

पहला देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों तो टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी उस समय टाइगर श्रॉफ टीनेजर थे और अब सालों बाद एक्टर सिनेमा घरों में हीरोपंती दोबारा से पसंद करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में सिनेमाघरों में मसाला फिल्मों का दौर लौट आया है दर्शकों को सत्य से परे एक्शन पसंद भी खुवा रहा है हालांकि यह बात अलग है कि मसाला हुआ एक्शन दर्शकों पर जादू साउथ की फिल्मों का ही ज्यादा चल रहा है ऐसे में टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया एक बार फिर फलन मसाला एंटरटेनर यानी हीरोपंती 2 लेकर आए हैं फिल्म तो है देखकर यह बात तो जरूर कहनी पड़ेगी कि हीरोपंती सबको आती नहीं और इनकी जाति नहीं कहानी की बात करें तो हीरो हैं बबलू हरानावत जो एक हैकर हैं विलेन है लैला जो प्लस नाम का एक ऐसा हैकिंग सिस्टम बनाने का सपना देख रहा है जिससे जरिए इकतीस मार्च को देश देश में टैक्स के नाम पर जमा होने वाला सारा पैसा लूटना चाहता है पहले पैसे के लालच में फंसा बबलू लैला की मदद करता है लेकिन उसका जमीर तब जागता है जब वो एक मां को इस जालसाजी का शिकार होता और जलील होता देखता है फिर क्या बबलू ही इस विलन की धज्जियां उड़ाने में लग जाता है की बहन है नाया जिसे बबलू से प्यार हो जाता है देखिए फिल्म की बात करें तो टाइगर श्रॉफ इस बात में फिल्म में एक्शन कॉमेडी रोमांस डांस सब कुछ करते दिख रहे हैं टाइगर श्रॉफ जब फिल्मों में आए थे तो उन्होंने अपने एक्शन से सभी को चौंका दिया था लेकिन कई फिल्मों के बाद भी टाइगर का ना तो अंदाज पुराना हुआ है और ना ही उनके एक्शन का जादू धीमा पड़ा है इस फिल्म में भी टाइगर कुछ ऐसे एक्शन सीन्स करते नजर आ रहे हैं जिन्हें देख आपको अपनी साइंस और फिजिक्स की क्लास याद आ जाएगी टाइगर इस फिल्म में फुल पैसा वसूल है कहते हैं कोई हीरो उतना ही दमदार लगता है जितना उसके सामने खड़ा विलेन खतरनाक होता है लेकिन हीरोपंती में हैकिंग के जरिए देश को बर्बाद करने का इरादा रखने वाले विलेन का नाम लैला है अब ये किरदार नवाजुद्दीन सिद्दकी से बेहतर शायद ही कोई और निभा सकता है नवाजुद्दीन सिद्दकी पर्दे पर जब जब कुछ नहीं करते तब भी कमाल कर देते हैं शुरुआत के कुछ सीन्स में कहानी अचानक लंप लेती नजर आती है कई बार लगता है कि ये क्या हुआ लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको समझ आता है कि इस ये हुआ हुआ के पीछे की वजह क्या है हीरो बनती एक फलान मसाला फिल्म है जिसमें वो सारे मसाले हैं जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच के ला सकते हैं उनसे सीटियां बजवा सकते हैं हो सकता है आपको डांस भी निकल आए हाँ, कहानी में कुछ जगह झोल है लॉजिक की गड़बड़ है लेकिन मसाला फिल्मों में अक्सर ऐसा ही झोल झाल दिखता है मैं इस फिल्म को तीन स्टार देने वाला हूं तो कोशिश करूंगा आपको यह फिल्म अगर पसंद आई होगी तो हो, आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहते हैं बॉलीवुड का यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत मूवी हीरो बंती से की थी अब एक लंबा सफर तय करके हीरो बंती टू के साथ साथ वापस अपने एक्शन मोड में देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों ने के केस में मूवी की बेहद शानदार कास्ट ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है जिसमें अक्सर की अक्सर की तरह टाइगर अपने डांस और एक्शन से सभी को अपना देवाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि नवाज ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार के साथ न्याय करने में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है तारा भी अपने किरदार में जच रही हैं। फिल्म में अमृता सिंह ने भी अपनी अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर दिया है बात फिर के करे के बारे में तो डायरेक्शन के केस में नए नेक्स्ट लेवल पर ले जाता चुके हैं मूवी के सिनेटोग्राफी कमाल माल की है भाई जिसे बड़े लेवल पर विदेशों में शूट किया गया है ऐसा मूवी का म्यूजिक बेहद कमाल का है जिसे ए आर रहमान द्वारा कम ए आर रहमान द्वारा कंपोज किया गया है ऐसे में इस वीकेंड अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हमारी यही राय है कि आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें दोस्तों क्योंकि फिल्म की कहानी काफी बढ़िया बताई जा रही है कोरियोग्राफर से निर्माता मैनके अहमद खान द्वारा निर्देशित नाडियावाला वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट की बैनर तले बनी फिल्म में बड़े सेट प्रभावशाली लोकेशन और ए आर रहमान संगीत का इस्तेमाल किया गया है फिल्म एक महत्वाकांक्षी हैकर बबलू राणावत वास्तु में परिणामों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता वह अपने डिजिटल घोटाले से लोगों को ऑनलाइन बरगलाता है वह इन नाया से प्यार करता है जो अंतरराष्ट्रीय डिजिटल जालसाज लैला की बहन है लैला एक प्रभाव प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो एक ऐप प्लस की सहायता से सा लोगों के पैसे उड़ाना चाहता है और उपयोगकर्ताओं के बैंक विवरण चुराता है लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यक होती है जो इतिहास में सबसे बड़ी डकैती करने में उसकी मदद कर सके इसमें उसका साथ बबलू देता है और बबलू को जल्द ही यह समझ आ जाता है कि याना को डेट करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात तो लैला के लिए काम करना और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को ऐप के जरिए डकैती करने में उसकी मदद करना उसके बाद ही उसे इन्नाया मिल सकती है यह सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है तभी अचानक बबलू एक पीड़ित से टकराता है जिसकी भूमिका अमृत सिंह ने निभाई है और वह उसे अपनी मां भी बना लेता है जैसे बबलू के हैकिंग के जरिए ठगा था वह बबलू को अपने यहां ले आती है और दोनों के बीच मां बेटे का रिश्ता बन जाता है नतीजा यह होता है कि लला बबलू के मारने की कोशिश करता है लेकिन कहानी इसके बाद ही नया मोड़ लेकर आगे बढ़ती है एक प्रभावशाली कलाकारों की टुकड़ी अच्छे बजट और अद्भुत प्रदर्शन के साथ फिल्म अपना ध्यान खींचने में कामयाब होती है वही फिल्म में डिजिटल धोखाधड़ी के मुद्दे को सूक्ष्मता से दिखाया गया है हालांकि कहानी साइबर घोटाले के बारे में है लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से फिल्म में स्पष्ट नहीं हो पाता चाहे अशराफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में पकड़ बनाए रखी है और शानदार प्रदर्शन भी किया है बॉलीवुड में कई चोरी आधारित फिल्में बनाई गई हैं लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस महत्वाकांक्षी पैमाने पर एक समार्ट डिजिटल डकैती एक्शन ड्रामा बनाने का प्रयास नहीं किया है फिल्म एक रॉक सॉलिड फैमिली एंटरटेनमेंट के रूप में देखी जा सकती है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था यह तो हम सभी जानते ही हैं दोस्तों इस फिल्म में उनके साथ कृति सैनन थी एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ लेकर आए हैं आज फिल्म से घरों में रिलीज हो गई है फिल्म में एक्टर फिल्म में एक्टर तारा संग रोमांस करते देख रहे हैं तो नवाजुद्दीन के रोल में नजर आ रहे हैं टू को लेकर फैंस दे रहा है रिव्यू अहमद खान की फिल्म हीरोबंती 2 टू को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस ट्विटर पर अपना रिव्यू दे रहे हैं फिल्म को उनके चाहने वालों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है एक ट्विटर यूजर ने लिखा फुल एंटरटेनमेंट पैसा वसूल मूवी एक अन्य यूजर ने लिखा एक अच्छी एक्शन थ्रिलर फिल्म और हाँ टाइगर वो थे कहानी दिलचस्प थी या कुछ ऐसा नहीं था जो आपने एक सामान्यू तो देख रहा हैं अन्य एक अन्य ट्वीट में उन्होंने फिल्म के रिव्यू को भी दिया है उमेर ट्वीट करके लिखते हैं फर्स्ट रिव्यू हैश टैग हीरोपंती टू ओ ओवरसी से, से कॉल मिलाकर यह एक टिपिकल मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है जो एक्शन से भरपूर है एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने के साथ साथ फिल्म दो हजार बाई की एक बेस्ट हिंदी एक्शन फिल्म है तारा सुतारिया की आलोचना उमेर संधु ने एक अन्य ट्वीट में हीरोपंथी टू एक्ट्रेस तारा सुतारिया के बारे में लिखा है उमेर लिखते हैं तारा सुतारिया बॉलीवुड में अब तक की सबसे खराब एक्ट्रेस है ब्यूटी विथ जीरो एक्टिंग स्किल्स हे hey भगवान कौन ऐसे लोगों को फिल्म दे देता है बता दे के फिल्म हीरोपंती वन में कृति सेनन थी फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे वहीं अजय देवगन की फिल्म रनवे वे थर्टी फोर भी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है ऐसे में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती टू के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है रन वे में अजय के अलावा रघुलप्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में दिखाई दे रहे हैं

ट्वीट रिव्यू जरूर देख लें ताकि आप जानकर आपको मायूस ना होना पड़े तो फिल्म को लेकर एक यूजर ने नवाज की तारीफ करते हुए लिखा है यूरोपंथी टू सिनेमा घरों में लग चुकी है सभी जगहों से पॉजिटिव न्यूज आ रही है एंटरटेनमेंट फैंटास्टिक वर्क बाय नवाज एक्शन सीन्स प्लस शूटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज यूज जस्ट आउ सम प्रशांत जैन ने फिल्म की फर्स्ट हाफ की तारीफ करते हुए लिखा रोपंती टू का फर्स्ट डे फॉर शो अभी इंटरवल हुआ है फिल्म एक्शन और खूबसूरत लोकेशन से भरपूर है लेकिन स्टोरी पर थोड़ा काम करने की जरूरत ही नवाजुद्दीन अलग अवतार में है तारा सुतारिया हमेशा की तरह नजर आ रही हैं सेकेंड हाफ का इंतजार करते हैं सो फर्स्ट डे फॉर शो ऑफ हीरो इंटरवल फिल्म इज फुल ऑफ एक्शन एंड ग्रैंड लोकेशन बट लैक्स एट स्टोरी फ्रंट नवाजुद्दीन इज एन डिफरेंट टैप्टार

एक अच्छी स्क्रीन प्ले के साथ हीरो टू, एक कंप्लीट एक्शन फिल्म है टाइगर अवश्वसनीय है नवाज ब्रिलियंट है टाइगर इज फेनोमेनन नवाज इज ब्रिलियंट तारा इज जी आप हीरोइन क्यों बनी एक और यूजर को फिल्म पसंद आई और उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा वो लैक्शन मसाला एंटरटेनमेंट इस फिल्म की अच्छी बातें टाइगर श्रॉफ और एक्शन रहमान के गाने अहमद खान का डायरेक्शन तो आइए और इंजॉय करिए हीरोपंती सिनेमा घरों में तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री तारा स्टारर फिल्म घरों में रिलीज हो गई है फिल्म जबरदस्त एक्शन से से भरपूर है इसने रिलीज से पहले ही अच्छा खासा कैल एक्शन कर लिया है लेकिन सवाल यह है कि क्या दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटने पर टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म को दर्शकों का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि उनके बाकी फिल्मों को मिला था फिलहाल ट्विटर पर हैश हैशटैग टैग हीरोपंथी टू से प्रतिक्रियाओं की, प्रतिक की बार सी आ गई है फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है ज्यादा लोगों का कहना है कि यह फिल्म फुल पैसा वसूल है तो कुछ को टाइगर की इस फिल्म ने निराश भी किया है बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंथी फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तब उनके साथ फिल्म में कृति सेनन थी डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म हीरोपंथी टू देखने के बाद ट्विटर पर लोग हैश टैग हीरोपंथी टू लगाकर लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि उन्हें उनके चाहने वालों को उन्हें भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कुछ को फिल्म में टाइगर और का जबरदस्त एक्शन बहाया है तो कुछ को फिल्म का फुल एंटरटेनिंग और पैसा वसूल बताया है हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने फिल्म को बकवास और झेल करा दिया है किसी का कहना है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए हैं तो कोई कह रहा है कि पूरी फिल्म में टाइगर केवल उछलता कूदता ही नजर आता है कुल मिलाकर टाइगर की हीरोवंती टू को लेकर दर्शकों की मिली प्रतिक्रियाएं हैं तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री तारास्तौरिया स्टार एक्शन से भरपूर है खान की फिल्म टू देखने के बाद, ट्विटर पर लोग हैश टैग ट्विटर हीरोपंती टू से इसे ट्रेंड में चल रहा है टाइगर शॉफ तारास्तौरिया और से सिद्दीकी स्टारर फिल्म हीरोपंती टू सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है इस फिल्म में लोगों को उम्मीद थी कि टाइगर एक बार फिर हीरोपंती दिखा पाएंगे लेकिन हीरोपंती दिखाने के चक्कर में वो इतनी बुरी तरह से फुस हुए कि लोग अब उन्हें तरह तरह के ताने नजर आने लगे हैं हीरोपंती 2 का ट्रेलर तो काफी धमाकेदार था लेकिन फिल्म उतनी धमाकेदार साबित नहीं हुई है इस बात को जनता चीख चीख कर बता रही है टाइगर श्रॉफ के लिए हीरोपंती टू काफी अहम है क्योंकि ये उनकी जब भी फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है फिल्म देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर अपना रिव्यू दिया आइए जानते हैं फैंस का टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोबंती टू कैसी लगी यानी क्या एंटरटेनमेंट हुआ हैरिक 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 हैशटैग हीरोबंती टू हैशटैग वन वर्ड रिव्यू हैरिक 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 दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म एवर मेड इन इंडिया ईच एंड एवरी सीन ऑफ द फिल्म आर टेरिबल एंड अनलॉजिक आई कैन डिस्क्राइब मोर दैट हाउ बैड इट वाज सो दिस वाज रिटन बाय शिवा सत्यम वाजुद्दीन सिद्धिकी लुक्स एट हैश टैग टाइगर शो ऑफ यूर ड्यूरिंग एन एक्शन सीन्स एंड सी क्या एक्टर है यार इसको तो औस्कार मिलना चाहिए तो ऐसे ही बहुत सारे रिव्यूज़ हैं इंटरनेट पर भरे पड़े हैं टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया और नाजुद्दीन सिद्धू की स्टारर फिल्म हीरोपंती टू सिनेमाघरों में दस तक दे चुकी है हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि इनकी सिनेमाघरों में लग चुकी है आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और एक्शन फिल्म हीरोपंती टू के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में यानी फिल्म दिन कितनी कमाई करने वाली है साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती टू अपने पहले दिन में कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर

अनुमान लगाया जा रहा है कि आपने पहले दिन चौदह से पंद्रह करोड़ की कमाई कर सकती है अगर हमारा बताया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सही रहता है तो आपने पहले हफ्ते से ही बजट में रिकवर कर जाएगी अपना पूरा कलेक्शन लेकिन अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करनी होगी अगर आपने हीरोपंती टू फिल्म को देख लिया है और आपको हीरोपंती टू कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप फिल्म को हिट करेंगे सुपर हिट कहेंगे या फिर फ्लॉप कहेंगे आपका जो कुछ भी अनुमान है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं और हम आपके लिए लगातार हीरो बंती टू और टू के बॉक्स ऑफिस का लेक्शन अपडेट लेकर आते रहेंगे लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर हीरो बंती टू को एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो सौ करोड़ रिकवर करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की जरूरत करनी होगी यानी कि अगर फिल्म डेढ़ सौ करोड़ रुपए का कमाई कर लेती है तब जाकर हीरोपंती टू को पचास करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है लेकिन आज के दिन टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती टू को अमिताभ बच्चन और अजय देवगन देव का सामना करना पड़ेगा अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी फिल्मबाजी मार सकती है जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें बॉक्स ऑफिस पर आज दो बड़ी दिग्गजों फिल्मों में भड़ंत होने वाली है पहली है टाइगर श्रॉफ की हीरोपंथी और रोपंथी टू और अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टार की रनवे वे थ्री फोर दोनों ही फिल्मों के, वोस्ट के, के कलेक्शन में फर्क जरूर देखने को मिल सकता है फिलहाल जानते हैं दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है हीरोपंथी देखने वाले दर्शकों ने अपने सोशल मीडिया पर इसे शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया है एक यूजर ने लिखा भाई कंचन तो एकदम फ्रेश है और स्टोरी भी सोशल जैसे जैसे वैसे वैसे मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वहीं टाइगर श्रॉफ के फैंस ने तो इसे देखने के लिए एडवांस बुकिंग करा ही ली है 28 अप्रैल की रात बॉलीवुड के कई सितारे हीरोपंती 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे अहमद खान द्वारा निर्देशित हेरोपंती टू की कहानी रजत अरोड़ा ने लिखी है जबकि इस फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो पहले दिन ये पांच करोड़ रुपए का तक अनुमानित कमाई कर सकती है यह अंदाजा एडवांस बुकिंग को देखकर लगाया जा रहा है वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीद है अजय देवगन अमिताभ बच्चन और अकुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म रनवे 34 भी सिनेमा भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का फर्स्ट फर्स्ट आप बेहतरीन बताया जा रहा है अक्षय कुमार रितेश देशमुख समेत कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है फैंस भी इसकी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं रनवे 2 टू में दो दिग्गज कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं इसका असर फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिलेगा रनवे पहले दिन दो करोड़ की ओपनिंग से ले सकती है रकुलप्रीत का काम भी फिल्म में बेहतर है इस, इसकी खास बात यह है है कि इसका निर्देशन अजय देवगन ने ही किया है। एक आगामी हिंदी फिल्म दो अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म हीरो बंती टू ये फिल्म अहमद खान द्वारा निर्देशित है और इसमें टाइगर श्रॉफ द्वारा तारा सुतरिया अभिनय राज सिंह और नवाजुद्दीन सिद्ध की मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे अन्य लोकप्रिय अभिनेता जिन्हें हीरोपंती 2 के लिए चुना गया था वे हैं मार्क राइनो स्मिथ फिल टिलोट और अतुल शर्मा फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो रात में लोगों को डकैती या अपहरण अप से बचाने में मदद करता है भारत सरकार टाइगर श्रॉफ के बारे में पता लगाती है उसे एक मिशन पर भेजती है जहां उसे रात में रूसी सैनिकों को मारना होता है कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और कुछ गलत हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि वह रूसी सैनिकों का नेता है ये क्या लिखा हुआ है यार बिल्कुल उल्ट पुलट लिखा हुआ है हीरोपंथी ऐसी बिल्कुल नहीं है भाई इस पर मत जाइए ये रिव्यू गलत है बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत हीरोपंती से की थी अब टाइगर एक लंबा समय सफर तर्क करने के बाद हीरोपंती टू के साथ वापस आ चुके हैं फिल्म का हीरो यानी बबलू राणावत एक एम्बिशियस हैकर है और नतीजे की परवाह किए बिना लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में उनसे ठगी करता है बबलू को से प्यार है जो कि <coughs> दे, दे, दे उनके फैंस के लिए बेहद ही खास है क्योंकि इससे पहले पार्ट वन के जरिए ही टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में कदम रखा थारोपन्थी टू में तारा सुतरिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अहम रोल निभा रहे हैं बीती रात ही मुंबई में हीरोपंथी टू की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था और इस दौरान बॉलीवुड के तमाम हस्तियां टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने पहुंची टाइगर श्रॉफ की खास दोस्त दिशा पटानी भी हीरोपंती टू की स्क्रीनिंग के दौरान नजर आई स्क्रीनिंग से दिशा पटानी का एक वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हीरोपंती 2 की स्क्रीनिंग पर दिशा पटानी हल्के पर्पल रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आई इस ड्रेस में वह बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग से पहले दिशा पटानी पपराजी के सामने जमकर पोज़ देती हुई नजर आ रही हैं यस वीडियो को देखते ही लगता है कि दिशा पटानी के हैंड बैग पर गया और फिर क्या लोग कल रात से दिशा पटानी के नए वीडियो पर लगातार कमेंट करते जा रहे हैं दरअसल दिशा पटानी इस दौरान बहुत ही छोटा सा हैंड बैग कैरी किए हुए नजर आई थी अब दिशा पटानी के बैग के साइज की खूब चर्चा हो रही है एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया सोचकर हैरान हूं कि आखिर दिशा इस बैग में क्या रखती होगी एक दूसरे यूजर ने लिखा इस बैग में क्या रखा गया होगा एक और शख्स ने लिखा हाथ नहीं होता अगर ये तो हवा में ही उड़ जाता तो दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के अफेयर के चर्चे खूब हुए यहां तक के लंबे समय से दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती रही है बीते महीने ही टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर दिशा पटानी ने उन्हें खास अंदाज में बधाई भी दी थी और साथ ही उनके अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था इसके बाद से लोगों के बीच इनके ब्रेकअप की भी खूब चर्चाएं चली फिलहाल तो दोनों हर मौके पर पहले जैसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते रहते हैं तो चिरंजीवी और रामचरण की मल्टी स्टारर फिल्म आचार्य भी आज ही के दिना सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है कोरताला शिवा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म में पूजा हेगड़े लीडिंग लेडी के रोल में नजर आ रही हैं। यह फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी वैसे भी आर 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 और के जी एफ चैप्टर टू की भारी सफलता के बाद दक्षिण की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार था आचार्य में बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी का कैमियो देखने को भी मिलेगा जो फैंस के लिए काफी एक्साइटेड है फिल्म के दिलचस्प ट्रेलर ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था दूसरी ओर में रामचरण का जादू दर्शकों के सिर से नहीं उतरा था इसलिए भी वो इस फिल्म के लिए उत्साहित थे वहीं दूसरी तरफ पिता चिरंजीवी और बेटे रामचरण के साथ देखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे ईद के मौके पर इस हफ्ते अजय देवगन की रन में थर्टी फोर और टाइगर श्रॉफ की हीरोमती टू रिलीज होने वाली थी होने वाली थी क्या हो चुकी है और इसका पहला शो और लोगों ने देख भी लिया है हीरोबंती की एडवांस बुकिंग कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हुई है ऐसे में फिल्म पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर सकती है बुक माई शो डॉट कॉम के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में के एक टिकट की कीमत है वहीं दिल्ली के टिकट नई दिल्ली में टिकट की कीमत ढाई सौ रुपए तक है इसके अलावा गुड़गांव में इसकी शुरू होकर दो सौ बीस रुपए तक है वहीं गाजियाबाद में टिकट की कीमत डेढ़ सौ रुपए से शुरू शुरुआत है मुंबई की बात करें तो फिल्म की टिकट दो सौ रुपए से शुरू होती है बेंगलुरु में टिकट की कीमत दो सौ रुपए से शुरू होकर ढाई सौ रुपए तक है पुणे में भी टिकट दो सौ रुपए का है तो टेड एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक हीरोपंती 2 की एडवांस बुकिंग बेहतरीन हुई है मुंबई सर्किट दिल्ली एनसीआर इंदौर पुणे सूरत चंडीगढ़ कोलकाता में भी फिल्म को अच्छी बुकिंग मिली है ऐसे में फिल्म टेड पंडितों का चौंका सकती है टाइगर श्रॉफ की मास ऑडियंस से अच्छी पकड़ है जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है टेड एनालिस्ट के मुताबिक यदि ऐसी तरह की बुकिंग रही तो फिल्म अपने पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर सकती है दोस्तों नए हफ्ते की शुरुआत के साथ लोग हर शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्में वीकेंड के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर साबित होती हैं ऐसे में अगर शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म की सूची पहले ही मिल जाए तो इन्हें देखने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की जा सकती है इस शुक्रवार यानी उनतीस अप्रैल यानी आज के दिन बॉलीवुड के दो बड़े कलाकारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले के लिए तैयार हैं इसके अलावा साउथ समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं तो आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में तो पहले नंबर पर है हीरोपंथी टू टाइगर श्रॉफ और तारा सो स्टारर फिल्म हीरोपंथी टू इस शुक्रवार श्रो सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है और इसका पहला शो लग भी चुका है यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो रातों रात में लोगों की मदद करता है बाद में इस शख्स को एक मिशन के लिए रूस भेजा जाता है लेकिन बाद में हालात उसी के खिलाफ हो जाते हैं ऐसे में वो कैसे इन मुश्किलों को पार करता है ये जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है तो दूसरी फिल्म है रनवे थर्टी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म रनवे थर्टी कैप्टन विक्रांत खन्ना और उनके जीवन से घटित घटनाक्रम पर आधारित है तो अभिनेता अजय देवगन विक्रांत खन्ना नामक पायलट के किरदार में नजर आएंगे

फिल्म की कहानी एक मध्यम आयु वर्ग के नक्सली समाज सुधार के इर्द गिर्द घूमती है चिरू और रामचरण के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े सूद जिशु सेन गुप्ता वेला किशोर सौरव लोकेश पोसानी कृष्ण मुरली तनकेला भरणी अजय संगीता बनर्जी और कई अन्य भी सहायक भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और चौथी फिल्म है चंद्रमुखी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह मराठी फिल्म भी शुक्रवार को रिलीज की जाएगी फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है एक संगीतमय प्रेम कहानी से प्रेरित है प्रसाद ओक की निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमृता खानविलकर और आदिनाथ को लीड रोल में हैं तो दोस्तों हीरोपंती टू टाइगर श्राफ की फिल्मों में से एक है के के दस्तक देने के लिए तैयार है अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2014 की लोकप्रिय फिल्म हीरोपंती की अगली कड़ी है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता के साथ कृति सेनन नजर आई थी जब से एक्शन थ्रिलर फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुआ तब से फिल्म खूब सुर्खियां बटोर रही है फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि टू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी इतना ही नहीं आपको बता दे टिकटों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है इसके अलावा में तारा सोतारिया भी दिखेंगी इस फिल्म में टाइगर बबलू की भूमिका निभाएगा जो दुनिया भर में साइबर अपराधों को रोकने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लैला के साथ हॉर्न बजाते हुए दिखाई देंगे याद दिला दे टाइगर के लिए इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत उन्होंने हीरोपंती फिल्म से ही की थी हीरोपंती टू को कारोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने एक अच्छी बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाई है इसकी झलक हालांकि ट्रेलर में ही देखने को मिल गई थी और जिस वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शानदार चल रही थी फिल्म की पूरी कास्ट की बात करें तो इसमें टाइगर श्रॉफ के साथ खूबसूरत तारा सतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी लीड रोल में है फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक साजिद हीरोपंती टू की कहानी कुछ ऐसी है कि बबलू वतियानी के टाइगर श्रॉफ एक बड़ा हैकर है जो लोगों को अलग अलग तरीके से फंसा कर फ्रॉड करता है बबलू की लव स्टोरी इन नाया से चल रहा है और एक इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लाला की बहन भी है एक छात्र ठग है जो अपनी बनाई मोबाइल ऐप से लोगों के बैंक डिटेल्स आसानी से हासिल कर लेता है वो इस ऐप की मदद से एक बड़ी ठगी को अंजाम देना चाहता है जिसमें उसकी किसी हैकर की जरूरत होती है उसके सामने एक ही विकल्प है वि, विकल्प है कि के केस में वो बबलू की मदद ले अपने प्यार के लिए बबलू ये करने के लिए राजी हो जाता है तो तय होता है कि इकतीस मार्च को चोरी को अंजाम दिया जाएगा जब सभी के बैंक अकाउंट्स में काफी मोटी रकम पड़ी होती है लेकिन जब बबलू की मुलाकात अमृता सिंह से, से होती है तो उसे पता चलता है कि वो जो कर रहा है वो कोई सही काम नहीं है उसका जमीर जाग जाता है लैला इस बात से बौखला जाता है और बबलू को मारने के लिए अपने गुर्गे भेजता है जिसके बाद बबलू सभी को जेल में भेजने की कसम खाता है अब बबलू हैकिंग से ठगी के इस साम्राज्य को खत्म करने के अपने प्यार को वापस पाता है यही एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट हीरोपंती टू की कहानी है फिल्म सभी कलाकारों को काम अच्छा है अच्छी फिल्म आपको थोड़ा रोमांचित जरूर करती है हंसाती है अच्छे गाने गुनगुनाने को देती है और अच्छी कहानी से बांधकर रखती है तो सारी पैकेजिंग आपको हीरोपंती टू में मिलेगी टाइगर श्रॉफ तो हर फिल्म के साथ निखर कर आ ही रहे हैं उनका स्वैग और स्टाइल और एक्शन तीनों एक फिल्म की जान है डांस में भी उन्होंने कई अच्छे हुक स्टेप्स यंग ऑडियंस के लिए पेश की हैं वही यही वजह है कि उनका नाम नए दौर की बॉलीवुड की एक्शन एंटरटेनमेंट का पर्याय बन चुका है तारा सुतारिया की खूबसूरती की जितनी बात की जाए उतनी कम है वह हर फ्रेम में दिलकश लगी हैं और टाइगर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही बहुत ही बेहतरीन रही है अमृता सिंह के नाम भूमिका भले ही छोटी है लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ वही लेकर आती है कहते हैं कि अच्छी फिल्म तभी बनती है जब हीरो को विलन टक्कर का मिले और इस मामले में हीरोपंती पंती टू एक शानदार फिल्म है लैला के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अरसे तक याद रखा जाएगा उनकी अदायगी और टाइगर का एक्शन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई देने की भरपूर गुंजाइश रखते हैं कारोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने यंग मूड को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है और इस परवाह खरे भी उतरे हैं फिल्म को उन्होंने कर कर रखा है जिससे कहीं से भी उबाऊ नहीं लगती फिल्म का सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है और एआर रहमान का म्यूजिक आपको थिएटर में से फिल्म देखने की एक और वजह देता है तो गर्मी वाला ये वीकेंड आप अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ बिताना चाहते हैं तो आप टाइगर की हिरपंती 2 एक अच्छी चॉइस साबित होगी दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने फिल्म पंती से अपना करियर शुरू किया था यह तो हम सभी जानते ही हैं और अब पंती टू आई है इस बीच टाइगर ने एक एक्शन स्टार के तौर पर अपनी जगह बना ली है लेकिन यह फिल्म देखकर लगता है कि टाइगर कब तक ऐसा करते रहेंगे और हम कब तक ऐसी फिल्में झेलते रहेंगे टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती टू में तारा सुतरिया और नवाजुद्दीन सिद्ध की लीड रोल में नजर आए हैं कहानी क्या है मुझे याद ही नहीं बस यही कहानी है थोड़ा थोड़ा याद है कि टाइगर बबलू नाम के हैकर है और नवाजुद्दीन सिद्ध की विलेन टाइगर को नवाज की बहन तारा सुतरिया से इश्क हो जाता है और बस फिर वही होता है जो हम सालों से देखते और झेलते आ रहे हैं फिल्म में नवाजुद्दीन छाए हुए हैं नवाजुद्दीन ने लैला नाम के विलन का किरदार बखूबी निभाया है जो लड़कियों की तरह ज्वेलरी पहनता है नेल पॉलिश लगाता है नवाज का अंदाज गजब का है जो वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं और उसी वक्त आपको लगता है कि टिकट के पैसे वसूल हैं मेरे भाई नवाज का अंदाज देखने लायक है टाइगर की एक्टिंग के बारे में कहा ही कहें क्या ही कहें टाइगर ने वही किया है जो करते हैं टाइगर की फॉलोइंग कमाल की है अब वक्त है तो कुछ नया करें कुछ प्रयोग करें इमोशनल सीन में टाइगर कॉमेडियन लगते हैं एक ही चीज में जमते हैं वो है एक्शन और डांस लेकिन ये सब हम बहुत देख चुके हैं बार बार एक ही चीज के पैसे क्यों दें और ये सब टाइगर हमें इंस्टाग्राम पर भी दिखा देते हैं तारा सुतरिया ने इतनी ओवरएक्टिंग की है कि आज वो ओवरएक्टिंग भी बुरा मान गई होंगी ओवरएक्टिंग के मामले में वो ओवरएक्टिंग की क्वीन हैं टाइगर की मुंह बोली मां के किरदार में अमृता सिंह ठीक-ठाक है नवाज हर जगह छाए हैं टाइगर नवाज के सामने नहीं टिक पाते फिल्म में वेब सीरीज फैमिली मैन 2 में चेलम सर का किरदार निभाने वाले उदय भानु महेश्वर भी है और वो भी विलन है फिल्म की बाकी विलन भी दमदार है कैसे तो विलन मजबूत हो तो हीरो की हीरोपंती और खुलकर सामने आती है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया यहां विलन ही छाए रह गए और खास तौर पर नवाजुद्दीन सिद्ध की अगर नवाज के फैन हैं तो देख सकते हैं और अगर टाइगर के बक्के बार तो बार बार देख सकते हैं तो एक आप ये फिल्म जरूर देखिए और जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को एंटरटेन करने का वुलडोज देने की तैयारी में है साल दो की ईद पर फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपने को करने की तैयारी निर्देशक अहमद खान की फिल्म हीरोपंती टू उनतीस अप्रैल को यानी कि आज के दिन सिनेमा घरों में पहुंचने वाली है इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है फिल्म की रिलीज में अभी कुछ दिन का वक्त बाकी है यही कह रहे थे लेकिन फिल्म सच में बहुत अच्छी है मगर इससे पहले ही यह फिल्म इंडस्ट्री का एक खास शख्स ने देख ली जिसके बाद ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधु ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के जरिए बताया कि आखिर यह फिल्म कैसी है जाने माने फिल्म पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधु ने हीरोपंती 2 के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा हीरोपंती 2 सेंसर बोर्ड में देख रहा हूं एक्शन एक्शन ही एक्षन। टाइगर श्रॉफ डैशिंग लग रहे हैं फिल्म देखने के बाद उमेर संधु ने ट्वीट पर लिखा ओवरसीज सेंसर में से हीरोपंती टू का पहला रेव्यू मोटे तौर पर यह फिल्म एक टिपिकल मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो एक्शन में काफी हाई है और टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन फोकस एंटरटेनमेंट है बिना फिल्म बिना किसी शक के साल 2022 की बेस्ट हिंदी एक्शन फिल्म होगी तो अपने इस रैबे के बारे में बात करते हुए मैर संधु ने अदाकारा तारा सुतारिया की जमकर आलोचना की है उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा तारा सुतारिया बॉलीवुड की सबसे खराब एक्ट्रेस हैं जो मैंने अब तक देखी हैं। सुंदरता जीरो एक्टिंग स्किल के जीरो हे भगवान कौन लोग इस फिल्म दे, इस फिल्म दे देते हैं ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं तारा सुत हैश सुतारिया इज द वर्स्ट एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन इन बॉलीवुड ब्यूटी विद जीरो एक्टिंग स्किल्स ओह गॉड

हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों तो टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी उस समय टाइगर श्रॉफ टीनेजर थे और अब सालों बाद एक्टर सिनेमा घरों में हीरोपंती दोबारा से पसंद करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में सिनेमाघरों में मसाला फिल्मों का दौर लौट आया है दर्शकों को सत्य से परे एक्शन पसंद भी रहा है हालांकि यह बात अलग है कि मसाला हुआ एक्शन दर्शकों पर जादू साउथ की फिल्मों का ही ज्यादा चल रहा है ऐसे में चाहिए शो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतरिया एक बार फिर फुल मसाला एंटरटेनर यानी हैं फिल्म देख कर ये बात तो जरूर कहनी पड़ेगी हीरोपंती सबको आती नहीं और इतनी जाती नहीं कहानी की बात करें तो हीरो हैं बबलू राणावत जो एक हैकर है, लैला है जो प्लस नाम का एक ऐसा हैकिंग सिस्टम बनाने का सपना देख रहा है जिससे जरिए इकतीस मार्च को देश देश में टैक्स के नाम पर जमा होने वाला सारा पैसा लूटना चाहता है पहले पैसे के लालच में फंसा बबलू लैला की मदद करता है लेकिन उसका ज़मीर तब जागता है जब वो एक मां को इस जालसाजी का शिकार होता और जलील होता देखता है फिर क्या बबलू ही इस विलन की धज्जियां उड़ाने में लग जाता है लैला की बहन है नाया जिसे बबलू से प्यार हो जाता है देखिए फिल्म की बात करें तो टाइगर श्रॉफ इस बात में फिल्म में एक्शन कॉमेडी रोमांस डांस सब कुछ करते दिखाए हैं टाइगर श्रॉफ जब फिल्मों में आए थे तो उन्होंने अपने एक्शन से सभी को चौंका दिया था लेकिन कई फिल्मों के बाद भी टाइगर का ना तो अंदाज पुराना हुआ है और ना ही उनके एक्शन का जादू धीमा पड़ा है इस फिल्म में भी टाइगर कुछ ऐसे एक्शन सीन्स करते नजर आ रहे हैं जिन्हें देख आपको अपनी साइंस और फिजिक्स की क्लास याद आ जाएगी टाइगर इस फिल्म में फुल पैसा वसूल है कहते हैं कोई हीरो उतना ही दमदार लगता है जितना उसके सामने खड़ा विलन खतरनाक होता है लेकिन हीरोपंती में हैकिंग के जरिए देश को बर्बाद करने का इरादा रखने वाले विलन का नाम लेना है अब ये किरदार नवाजुद्दीन सिद्दकी से बेहतर शायद ही कोई और निभा सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर्दे पर जब जब कुछ नहीं करते तब भी कमाल कर देते हैं शुरुआत के कुछ सीन्स में कहानी अचानक लंप लेती नजर आती है बार लगता है कि ये क्या हुआ लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको समझ आता है कि इस ये हुआ हुआ के पीछे की वजह क्या है हीरो बनती एक फलान मसाला फिल्म है जिसमें वो सारे मसाले हैं जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच के ला सकते हैं उनसे सीटियां बजवा सकते हैं हो सकता है आपको डांस भी निकल आए हाँ कहानी में कुछ जगह झोल है लॉजिक की गड़बड़ है लेकिन मसाला फिल्मों में अक्सर ऐसा ही झोल झाल दिखता है मैं इस फिल्म को तीन स्टार देने वाला हूं तो कोशिश करूंगा आपको यह फिल्म अगर पसंद आई होगी हो। आप आपको फिल्म फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहते हैं बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत मूवी हीरो बंती से की थी अब एक लंबा सफर तय करके हीरो बंती टू के साथ साथ वापस अपने एक्शन मोड में देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों अभिनय के केस में मूवी की बेहद शानदार कास्ट ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है जिसमें की अकसर की तरह टाइगर अपने डांस और एक्शन से सभी को अपना देवाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि नवाज ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार के साथ न्याय करने में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है तारा भी अपने किरदार में जच रही है फिल्म में अमृता सिंह ने भी अपनी अभिनय से सभी को इम्प्रेस कर दिया है डायरेक्शन तो के करे के बारे में बात की जाए तो कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान मूवी को एक्शन से लेकर डांस के केस में नए नेक्स्ट लेवल पर ले जाता चुके हैं मूवी के सिनेमाटोग्राफिक कमाल की है भाई जिसे बड़े लेवल पर विदेशों में शूट किया गया है ऐसा ही मूवी का म्यूजिक बेहद कमाल का है जिसे ए आर रहमान द्वारा कम ए आर रहमान द्वारा कंपोज किया गया है ऐसे में इस वीकेंड अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो हमारी यही राय है कि आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें दोस्तों क्योंकि फिल्म की कहानी काफी बढ़िया बताई जा रही है कोरियोग्राफर से निर्माता बन अहमद खान द्वारा निर्देशित नाडिया वाला ग्रैंड की बैनर तले बनी फिल्म में बड़े सेट प्रभावशाली लोकेशन और ए आर रहमान के संगीत का इस्तेमाल किया गया है फिल्म में एक महत्वाकांक्षी हैकर बबलू राणावत वास्तव में परिणामों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता वह अपने डिजिटल घोटाले से लोगों को ऑनलाइन बरगलाता है वह इन्नाया से प्यार करता है जो अंतरराष्ट्रीय डिजिटल जालसाज लैला की बहन है लैला एक प्रभाव प्रभ। प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो एक ऐप प्लस की सहायता से सा लोगों के पैसे उड़ाना चाहता है और उपयोगकर्ताओं के बैंक विवरण चुराता है लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यक होती है जो इतिहास में सबसे बड़ी डकैती करने में उसकी मदद कर सके इसमें उसका साथ बबलू देता है और बबलू को जल्द ही यह समझ आ जाता है कि याना को डेट करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात तो लैला के लिए काम करना और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को ऐप के जरिए डकैती करने में उसकी मदद करना उसके बाद ही उसे इनाया इन मिल सकती है यह सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है तभी अचानक बबलू एक पीड़ित से टकराता है जिसकी भूमिका अमृत सिंह ने निभाई है और वह उसे अपनी मां भी बना लेता है जैसे बबलू के हैकिंग के जरिए ठगा था वह बबलू को अपने यहां ले आती है और दोनों के बीच मां बेटे का रिश्ता बन जाता है नतीजा यह होता है कि लला बबलू के मारने की कोशिश करता है लेकिन कहानी इसके बाद ही नया मोड़ लेकर आगे बढ़ती है एक प्रभावशाली कलाकारों की टुकड़ी अच्छे बजट और अद्भुत प्रदर्शन के साथ घोटाले डि के, के बारे में है लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से फिल्म में स्पष्ट नहीं हो पाता टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने फिल्म में पकड़ बनाए रखी और शानदार प्रदर्शन भी किया है बॉलीवुड में कई चोरी आधारित फिल्में बनाई गई हैं लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस महत्वाकांक्षी पैमाने पर एक समाट डिजिटल एक्शन ड्रामा बनाने का प्रयास नहीं किया है फिल्म एक रॉक सॉलिड फैमिली एंटरटेनमेंट के रूप में देखी जा सकती है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था यह तो हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों इस फिल्म में उनके साथ कृति सैनन थी एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ हीरो लेकर आए हैं आज फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म में एक्टर फिल्म में एक्टर तारा सुतारिया संग रोमांस करते दिख रहे हैं तो नवाजुद्दीन से देखी विलन के रोल में नजर आ रहे हैं हीरो बंती टू को लेकर फैंस दे रहा है रिव्यू अहमद खान की फिल्म हीरोबंती टू को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस ट्विटर पर अपना रिव्यू दे रहे हैं फिल्म को उनके चाहने वालों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, फुल एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल मूवी एक अन्य यूजर ने लिखा एक अच्छी एक्शन थ्रिलर फिल्म और हां टाइगर शराब वो थे कहानी दिलचस्प थी या कुछ ऐसा नहीं था जो आपने एक सामान्य फिल्म देखी हो तो ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमर संदू ने हीरोपंती 2 देखते हुए लिखा सेंसर बोर्ड में हीरोपंती 2 देख रहा हूं वो नॉन एक्शन ही एक्शन दाइगर श्रॉफ डैशिंग लग रहे हैं अन्य एक अन्य ट्वीट में उन्होंने फिल्म के रिव्यू को भी दिया है उमर ट्वीट करके लिखते हैं फर्स्ट रिव्यू #हीरोपंती2 ही ओवरसीज सेंसर से कॉल मिलाकर यह एक टिपिकल मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है जो एक्शन से भरपूर है एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने के साथ साथ फिल्म निसंदेह दो हजार की एक बेस्ट हिंदी एक्शन फिल्म है तारा सोतारिया की आलोचना उमेर संद ने एक अन्य ट्वीट में हीरोपंती बंती टू एक्ट्रेस तारा सोतारिया के बारे में लिखा है उमेर लिखते हैं तारा सोतारिया बॉलीवुड में अब तक की सबसे खराब एक्ट्रेस है ब्यूटी विद जीरो एक्टिंग स्किल्स हे भगवान कौन ऐसे लोगों को फिल्म दे देता है बता दे के फिल्म हीरोपंती वन में कृति सेनन थी फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे वहीं अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 थर्टी फोर भी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है ऐसे में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती टू के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है रनवे 34 में अजय के अलावा रघुलप्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में दिखाई दे रहे हैं

ट्वीट रिव्यू जरूर देख लें ताकि आप जानकर आपको मायूस ना होना पड़े तो फिल्म को लेकर एक यूजर ने नवाज की तारीफ करते हुए लिखा है यूरोपंथी टू सिनेमा घरों में लग चुकी है सभी जगहों से पॉजिटिव न्यूज आ रही है पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फैंटास्टिक वर्क बाय नवाज सर एंड एक्शन सीन प्लस शूटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज यूज जस्ट वसूल एंटरटेनमेंट फिल्म क्रिटिक्स प्रशांत जैन ने फिल्म के फर्स्ट हाफ की, की तारीफ करते हुए लिखा हीरो नवाज उद्दीन अलग अवतार में है तारास हमेशा की तरह नजर आ रही है सेकेंड हाफ का इंतजार करते हैं सो फर्स्ट डे फॉर शो ऑफ हीरो

के खत्म होने के बाद का रिव्यू देते हुए कहा क्या शानदार फिल्म है मेरे पास शब्द नहीं है टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए कहा एक अच्छी स्क्रीन प्ले के साथ हीरोपंती टू एक कंप्लीट एक्शन फिल्म है टाइगर अवश्वसनीय है नवाज ब्रिलियंट है टाइगर इज फमिन नवाज इज ब्रिलियंट तारा इज जी आप हीरोइन क्यों बनी एक और यूजर को फिल्म पसंद आई और उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा मसाला एंटरटेनमेंट इस फिल्म की अच्छी बातें टाइगर श्रॉफ और एक्शन रहमान के गाने अहमद खान का डायरेक्शन तो आइए और एंजॉय करिए हीरोपंती टू सिनेमा घरों में तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री तारा उत्तरिया स्टारर फिल्म हीरोपंती टू सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरपूर है इसने रिलीज से पहले ही अच्छा खासा का कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटने पर, पर टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म को दर्शकों का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि उनके बाकी फिल्मों को मिला था फिलहाल ट्विटर पर हैशटैग टैग हैश प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है ज्यादा लोगों का कहना है कि यह फिल्म फुल पैसा वसूल है तो कुछ को टाइगर इस फिल्म ने निराश भी किया है बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंथी फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तब उनके साथ फिल्म में कृति सेनन थी डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म हीरोपंथी टू देखने के बाद ट्विटर पर लोग लगाकर लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि उन्हें उनके चाहने वालों को उन्हें भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कुछ को फिल्म में टाइगर ऑफ का जबरदस्त एक्शन बहाया है तो कुछ को फिल्म का फुल एंटरटेनिंग और पैसा वसूल बताया है हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने फिल्म को बकवास और झेल करा दिया है किसी का कहना है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए हैं तो कोई कह रहा है कि पूरी फिल्म में टाइगर केवल उछलता कूदता ही नजर आता है कुल मिलाकर टाइगर की हीरो वन टू को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं

को उम्मीद थी कि टाइगर एक बार फिर हीरोपंती दिखा पाएंगे लेकिन हीरोपंती दिखाने हीरो तो साबित नहीं हुई है इस बात को जनता चीख चीख कर बता रही है टाइगर श्रॉफ के लिए हीरोपंती टू काफी अहम है क्योंकि ये उनकी जब भी फिल्म हीरोपंती का सीक्वल है फिल्म देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर अपना रिव्यू दिया आइए जानते हैं फैंस का टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरो बंती टू कर कैसी लगी यानी बंती टू हैश टैग वन वर्ड रिव्यू हैडेक दिस इज वन ऑफ मेड इन इंडिया ईच एंड एवरी सीन ऑफ द फिल्म आर टाइबल एंड अलजिक आई कैन डिस्क्राइब मोर दैट हाउर इट वॉज सो दिस वॉज रिटन बाई शिवा सत्या

आज हम बात करने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और एक्शन फिल्म के के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में यानी फिल्म दिन कितनी कमाई करने वाली है साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंथी टू अपने पहले दिन में कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर फ्लॉप इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि आपने आपको मालूम है कि टू में टाइगर श्रॉफ के करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इक्कीस स्क्रीन से ज्यादा पर रिलीज किया गया है इस वजह से माना जा रहा है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा होने वाला है पब्लिक से लेकर क्रिटिकल्स तक तीन स्टार दिए गए हैं इतना अच्छा रेव्यू मिलने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आपने पहले दिन 14 से 15 करोड़ की कमाई कर सकती है अगर हमारा बताया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सही रहता है तो आपने पहले हफ्ते से ही बजट में रिकवर कर जाएगी अपना पूरा कलेक्शन लेकिन अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी अगर आपने हीरोपंती टू फिल्म को देख लिया है और आपको हीरोपंती टू कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप फिल्म को हिट करेंगे सुपर हिट कहेंगे या फिर फ्लॉप कहेंगे आपका जो कुछ भी अनुमान है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं और हम आपके लिए लगातार हीरोपंथी टू और टू के बॉक्स ऑफिस का लैक्शन अपडेट लेकर आते रहेंगे लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर हीरोपंथी टू को एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो सौ करोड़ रिकवर करने के लिए डेढ़ सौ करोड़ रुपए की जरूरत करनी होगी यानी कि अगर फिल्म डेढ़ सौ करोड़ रुपए का कमाई कर लेती है तब जाकर हीरोपंती टू को पचास करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है लेकिन आज के दिन टाइगर श्रॉफ की हीरोबंती टू को अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की रन वे थ्री फोर का सामना करना पड़ेगा अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी फिल्मबाजी मार सकती है जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें बॉक्स ऑफिस पर आज दो बड़ी दिग्गजों फिल्मों में भड़ंत होने वाली है पहली है टाइगर श्रॉफ की हीरोबंती और हीरोबंती टू और अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टार की रन वे थ्री फोर दोनों ही फिल्मों के डे फॉर शो हो चुके हैं सिनेमा में पहले से के जी एफ चैप्टर टू और शाहिद कपूर की जर्सी चल रही है ऐसे में हीरोपंती टू और रनवे थर्टी फोर के कलेक्शन में फर्क जरूर देखने को मिल सकता है फिलहाल जानते हैं दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है हीरोपंती देखने वाले दर्शकों ने अपने सोशल मीडिया पर इसे शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया है एक यूजर ने लिखा भाई कंचन तो एकदम फ्रेश है और स्टोरी भी दमदार है पैसा वसूल फिल्म है सिर्फ नवाजुद्दीन के लिए भी आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं फैंस जैसे जैसे फिल्म देख रहे हैं वैसे वैसे अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वहीं टाइगर श्रॉफ के फैंस ने तो इसे देखने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहा ली है अट्ठाईस अप्रैल की रात बॉलीवुड के कई सितारे हीरोपंती टू की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे अहमद खान द्वारा निर्देशित की कहानी रजत अरोड़ा ने लिखी है जबकि इस फिल्म फिल्म का संगीत रहमान ने दिया है बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो पहले दिन ये पांच करोड़ रुपए का तक अनुमानित कमाई कर सकती है यह अंदाजा एडवांस बुकिंग को देखकर लगाया जा रहा है वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीद है अजय देवगन अमिताभ बच्चन और कुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म रनवे थर्टी फोर भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहतरीन बताया जा रहा है अक्षय कुमार रितेश देशमुख समेत कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है फैंस भी इसकी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं रनवे टू में दो दिग्गज कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं इसका असर फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिलेगा रनवे पहले दिन दो करोड़ की ओपनिंग से ले सकती है प्रीत का काम भी फिल्म में बेहतर है इस, इसकी खास बात यह है कि इसका निर्देशन अजय देवगन ने ही किया है एक आगामी हिंदी फिल्म अड़तीस अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म हीरो 2 टू ये फिल्म अहमद खान द्वारा निर्देशित है और इसमें टाइगर श्रॉफ द्वारा तारा सुतरिया अभिनय राज सिंह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे अन्य लोकप्रिय अभिनेता जिन्हें हीरोपंती टू के लिए चुना गया था वे हैं राइनो स्मिथ, और अतुल शर्मा फिल्म की कहानी एक ऐसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो रात में लोगों को डकैती या अपहरण से बचाने में मदद करता है भारत सरकार टाइगर श्रॉफ के बारे में पता लगाती है उसे एक मिशन पर भेजती है जहां उसे रात में रूसी सैनिकों को मारना होता है कहानी चरमोत्कृष पर पहुंचती है और कुछ गलत हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि वह रूसी सैनिकों का नेता है ये क्या लिखा हुआ है यार बिल्कुल उल्ट पुल्ट लिखा हुआ है हीरो बनती ऐसी बिल्कुल नहीं है भाई इस पे मत जाइए ये रिव्यू गलत है बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत हीरोपंथी से की थी अब टाइगर एक लंबा समा सफाई तार करने के बाद हीरो मती 2 के साथ वापस आ चुके हैं फिल्म का हीरो यानी बबलू राणावत एक अम्बिशियस हैकर है तो नतीजे की परवाह किए बिना लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी करता है बबलू को याना से प्यार है जो कि एक इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लैला की बहन है और यहीं से पूरी फिल्म की कहानी शुरू होती है टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म हीरोपंथी टू सिनेमा में दस्तक दे, दे, दे चुकी है जो फिल्म टाइगर टाइगर श्रॉफ श्रॉफ और उनके फैंस के के लिए बेहद ही ही खास है क्योंकि इससे पहले पार्ट जरिए ने इंडस्ट्री में कदम रखा था हीरोपंथी टू तारास नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अहम रोल में निभा रहे हैं बीती रात ही मुंबई में हीरोपंथी टू की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था और इस दौरान बॉलीवुड के तमाम हस्तियां टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने पहुंची टाइगर श्रॉफ की खास दोस्त दिशा पटानी भी हीरोपंती 2 की स्क्रीनिंग के दौरान नजर आई स्क्रीनिंग से दिशा पटानी का एक वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हीरोपंती 2 की स्क्रीनिंग पर दिशा पटानी हल्के पर्पल रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आई इस ड्रेस में वह बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग से पहले दिशा पटानी पपराजी के सामने जमकर पोस्ट देती हुई नजर आ रही है इस वीडियो को देखते ही लगता है कि दिशा पटानी के हैंड बैग पर गया और फिर क्या लोग कल रात से दिशा पटानी के नए वीडियो पर लगातार कमेंट करते जा रहे हैं दरअसल दिशा पटानी इस दौरान बहुत ही छोटा सा हैंड बैग कैरी किए हुए नजर आई थी अब दिशा पटानी के बैग के साइज की खूब चर्चा हो रही है एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया सोचकर हैरान हूं कि आखिर दशा इस बैग में क्या रखती होगी एक दूसरे यूजर ने लिखा इस बैग में क्या रखा गया होगा एक और शख्स ने लिखा हाथ में नहीं होता अगर ये तो हवा में ही उड़ जाता तो दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी है टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के अफेयर के चर्चे खूब हुए यहां तक के लंबे समय से दोनों की शादी की खबरें भी सामने आती रही हैं। बीते महीने ही टाइगर श्रॉफ के जन्मदिन पर दिशा पटानी ने उन्हें खास अंदाज में बधाई भी दी थी और साथ ही उनके अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था इसके बाद से लोगों के बीच इनके ब्रेकअप की भी खूब चर्चाएं चली फिलहाल तो दोनों हर मौके पर पहले जैसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते रहते हैं तो चिरंजीवी और रामचरण की मल्टी स्टारर फिल्म आचार्य भी आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है कोरता शिवा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म में पूजा हेगड़े लीडिंग लेडी के रोल में नजर आ रही हैं। यह फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी वैसे भी आर 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 और के जी एफ चैप्टर टू की, भारी सफलता के बाद की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार था में बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी का कैमियो देखने को भी मिलेगा जो फैंस के लिए काफी एक्साइटेड है फिल्म के दिलचस्प ट्रेलर ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था दूसरी ओर आर 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 में रामचंद्र का जादू दर्शकों के सिर से नहीं उतरा था इसलिए भी वो इस फिल्म के लिए उत्साहित थे वहीं दूसरी तरफ पिता चिरंजीवी और बेटे रामचरण के साथ देखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे ईद के मौके पर इस हफ्ते अजय देवगन की रनवे थर्टी फोर और टाइगर श्रॉफ की हीरोवंती टू रिलीज होने वाली थी होने वाली थी क्या हो चुकी है और इसका पहला शो और लोगों ने देख भी लिया है हीरो की एडवांस बुकिंग कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हुई है ऐसे में अब फिल्म पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर सकती है बुक रोपंथी टू के एक टिकट की कीमत 200 है वहीं दिल्ली के टिकट नई दिल्ली में टिकट की कीमत दो सौ दस रुपए से ढाई सौ रुपए तक है इसके अलावा गुड़गांव में इसकी कीमत एक सौ अस्सी रुपए से शुरू होकर दो सौ बीस रुपए तक है वहीं गाजियाबाद में टिकट की कीमत डेढ़ सौ रुपए से शुरू शुरुआत है मुंबई की बात करें तो फिल्म की टिकट दो सौ रुपए से शुरू होती है बेंगलुरु में टिकट की कीमत दो सौ रुपए से शुरू होकर ढाई सौ रुपए तक है पुणे में भी टिकट दो सौ रुपए का है तो एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक हीरोपंती टू की एडवांस बुकिंग बेहतरीन हुई है मुंबई सर्किट दिल्ली एनसीआर इंदौर पुणे सूरत चंडीगढ़ कोलकाता में भी फिल्म को अच्छी बुकिंग मिली है ऐसे में फिल्म पंडितों का चौंका सकती है टाइगर श्रॉफ की मास ऑडियंस से अच्छी पकड़ है जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है टेट एनालिस्ट के मुताबिक यदि ऐसी फिल्म अपने पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर सकती है दोस्तों नए हफ्ते की शुरुआत के साथ लोग हर शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्में वीकेंड के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर साबित होती हैं। अगर शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म की सूची पहले ही मिल जाए तो इन्हें देखने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की जा सकती है इस शुक्रवार यानी यानी अप्रैल आज के दिन के दिन बॉलीवुड दो बड़े कलाकारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुकाबले के लिए तैयार हैं इसके अलावा साउथ समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं तो आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में तो पहले नंबर पर है हीरोपंती टू टाइगर श्रॉफ और तारास तारिया स्टारर फिल्म हीरोपंती टू इस शुक्रवार सिनेमा सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है और इसका पहला शो लग भी चुका है यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो रातों रात में लोगों की मदद करता है बाद में इस शख्स को एक मिशन के लिए रूस भेजा जाता है लेकिन बाद में हालात उसी के खिलाफ हो जाते हैं ऐसे में वो कैसे इन मुश्किलों को पार करता है ये जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है तो दूसरी फिल्म है रनवे थर्टी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म रनवे थर्टी कैप्टन विक्रांत खन्ना और उनके जीवन से घटित घटनाक्रम पर आधारित है में अभिनेता अजय देवगन विक्रांत खन्ना नामक पायलट के किरदार में नजर आएंगे फिल्म की कहानी पायलट द्वारा तूफान में फंसे एक हवाई जहाज और उनके यात्रियों को बचाने के इर्द गिर्द घूमती है अजय देवगन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन बमन ईरानी और एक्ट्रेस रकुलप्रीत भी दिखाई देंगी तो तीसरी फिल्म है आचार्य कोरावताला सेवा के निर्देशन में बनी आचार्य में राम चरण पहली बार अपने पिता चरणजीवी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे सोशल सोशल पोविटिक ड्रामा इस फिल्म की कहानी एक मध्यम आयु वर्ग के नक्सली समाज सुधार के इर्द गिर्द घूमती है चिरू और रामचरण के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े सोनू सूद जिशु सेन गुप्ता विन्नेला किशोर सौरव लोकेश पोसानी कृष्ण मुरली तन केला भरणी अजय संगीता बनर्जी और कई अन्य भी सहायक भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और चौथी फिल्म है चंद्रमुखी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह मराठी फिल्म भी शुक्रवार को रिलीज की जाएगी फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है एक संगीत में प्रेम कहानी से प्रेरित है प्रसाद ओक की निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमृता खानविलकर और आदिनाथ को ठारे लीड रोल में है तो दोस्तों हीरोपंथी टू टाइगर श्रॉफ की बहुत प्रत्यक्षित फिल्मों में से एक है जो कि आज के दिन यानी 29 अप्रैल 2022 को अजय देवगन और बिग बी स्टारर रनवे चौतीस के साथ सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है अहमद खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2014 की लोकप्रिय फिल्म हीरोपंती की अगली कड़ी है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता के साथ कृति सेनन नजर आई थी जब से एक्शन थ्रिलर फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से फिल्म खूब सुर्खियां बटोर रही है फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी इतना ही नहीं आपको बता दे कि टिकटों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है इसके अलावा हीरोपंती 2 में तारा सूतरिया भी दिखेंगी हीरोपंती 2 को कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने एक अच्छी बॉलीवुड मसाला फिल्म बनाई है इसकी झलक हालांकि ट्रेलर में ही देखने को मिल गई थी

इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लाला की बहन भी है लाला एक शात्र ठग है जो अपनी बनाई मोबाइल ऐप से लोगों के बैंक डिटेल्स आसानी से हासिल कर लेता है वो इस ऐप की मदद से एक बड़ी ठगी को अंजाम देना चाहता है जिसमें उसकी किसी हैकर की जरूरत होती है उसके सामने एक ही विकल्प है विकल्प है कि के केस में वो बबलू की मदद ले अपने प्यार के लिए बबलू ये करने के लिए राजी हो जाता है तो तय होता है कि इकतीस मार्च को चोरी को अंजाम दिया जाएगा जब सभी के बैंक अकाउंट्स में काफी मोटी रकम पड़ी होती है लेकिन जब बबलू की मुलाकात अमृता सिंह से होती है तो उसे पता चलता है कि वो जो कर रहा है वो कोई सही काम नहीं है उसका जमीर जाग जाता है लैला इस बात से बौखला जाता है और बबलू को मारने के लिए अपने गुर्गे भेजता है जिसके बाद बबलू सभी को जेल में भेजने की कसम खाता है अब बबलू हैकिंग से ठगी के इस साम्राज्य को खत्म करने अपने प्यार को वापस पाता है यही एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट हीरो की कहानी है फिल्म सभी कलाकारों को काम अच्छा है अच्छी फिल्म आपको थोड़ा रोमांचित जरूर करती है हंसाती है अच्छे गाने गुनगुनाने को देती है और अच्छी कहानी से बांधकर रखती है तो सारी पैकेजिंग आपको हीरोपंती टू में मिलेगी टाइगर श्रॉफ तो हर फिल्म के साथ निखर कर आ ही रहे हैं उनका स्वैग और स्टाइल और एक्शन तीनों एक फिल्म की जान है डांस में भी उन्होंने कई अच्छे हुक स्टेप्स यंग ऑडियंस के लिए पेश की है वही यही वजह है कि उनका नाम नए दौर की बॉलीवुड की एक्शन एंटरटेनमेंट का पर्याय बन चुका है तारा सुतारिया की खूबसूरती की जितनी बात की जाए उतनी कम है वह हर फ्रेम में दिलकश लगी हैं और टाइगर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत तरी बहुत ही बेहतरीन रही है अमृता सिंह के नाम भूमिका भले ही छोटी है लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ वही लेकर आती हैं कहते हैं कि अच्छी फिल्म तभी बनती है जब हीरो को विलेन टक्कर का मिले और इस मामले में हीरोपंती 2 एक शानदार फिल्म है लैला के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अरसे तक याद रखा जाएगा उनकी अदाएगी और टाइगर का एक्शन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई देने की भरपूर गुंजाइश रखते हैं कारियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान ने यंग मूड को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई है और इस पर वह खरे भी उतरे हैं। फिल्म को उन्होंने कर कर रखा है जिससे कहीं से भी उबाऊ नहीं लगती फिल्म के सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है और एआर रहमान का म्यूजिक आपको थिएटर में से फिल्म देखने की एक और वजह देता है तो गर्मी वाला ये वीकेंड आप अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ बिताना चाहते हैं तो आप टाइगर की हीरोपंती टू एक अच्छी चॉइस साबित होगी दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती से अपना करियर शुरू किया था यह तो हम सभी जानते ही हैं और अब हीरोपंती 2 आई है इस भी टाइगर ने एक एक्शन स्टार के तौर पर अपनी जगह बना ली है लेकिन यह फिल्म देखकर लगता है कि टाइगर कब तक ऐसा करते रहेंगे और हम कब तक ऐसी फिल्में झेलते रहेंगे टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती टू में तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्ध लीड रोल में नजर आए हैं कहानी क्या है मुझे याद ही नहीं बस यही कहानी है थोड़ा थोड़ा याद है कि टाइगर बबलू नाम के हैकर हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की विलन टाइगर को नवाज की बहन तारा सुतारिया से इश्क हो जाता है और बस फिर वही होता है जो हम सालों से देखते और झेलते आ रहे हैं फिल्म में नवाजुद्दीन छाए हुए हैं नवाजुद्दीन ने लैला नाम की विलन का किरदार बखूबी निभाया है जो लड़कियों की तरह ज्वेलरी पहनता है नेल पॉलिश लगाता है नवाज का अंदाज गजब का है जो वो जब जब स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं और उसी वक्त आपको लगता है कि टिकट के पैसे वसूल हैं मेरे भाई नवाज का अंदाज देखने लायक है टाइगर की एक्टिंग के बारे में कहा ही कहें क्या ही कहें टाइगर ने वही किया है जो करते हैं टाइगर की फॉलोइंग कमाल की है अब वक्त है तो कुछ नया करें कुछ प्रयोग करें इमोशनल सीन में टाइगर कॉमेडियन लगते हैं एक ही चीज में जमते हैं वो है एक्शन और डांस लेकिन ये सब हम बहुत देख चुके हैं बार बार एक ही चीज के पैसे क्यों दें और ये सब टाइगर हमें इंस्टाग्राम पर भी दिखा देते हैं तारा सुतरिया ने इतनी ओवर एक्टिंग की है आज वो ओवर एक्टिंग भी बुरा मान गई होंगी ओवर एक्टिंग के मामले में वो ओवर एक्टिंग की क्वीन हैं। टाइगर की मुंह बोली माँ के किरदार में अमृता सिंह ठीक ठाक है नवाज हर जगह छाए हैं टाइगर नवाज के सामने नहीं टिक पाते फिल्म में वेब सीरीज फैमिली मैन टू में चेलम सर का किरदार निभाने वाले उदय भानु महेश्वर भी हैं और वो भी विलन है फिल्म की बाकी विलन भी दमदार है से तो विलन मजबूत हो तो हीरो की हीरोपंथी और खुलकर सामने आती है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया यहां विलन ही छाए रह गए और खासतौर पर नवाजुद्दीन सिद्ध की अगर नवाज के फैन हैं तो देख सकते हैं और अगर टाइगर के पक्के वाले फैन हैं तो टाइगर का डांस और एक्शन बार बार देख सकते हैं तो एक बार आप ये फिल्म जरूर देखिए और जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को एंटरटेन करने का देने की तैयारी में है साल दो की ईद पर फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ अपने फैंस को एंटरटेन करने की तैयारी में है फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ और तारा सोतरिया स्टार निर्देशक अहमद खान की फिल्म हीरोपंथी टू उनतीस अप्रैल को यानी कि आज के दिन सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है इस फिल्म का दर्शकों को से है। फिल्म की रिलीज में अभी कुछ दिन का वक्त बाकी है यही कह रहे थे लेकिन फिल्म सच में बहुत अच्छी है मगर इससे पहले ही यह फिल्म इंडस्ट्री का एक खास शख्स ने देख ली जिसके बाद ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधू ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स के जरिए बताया कि आखिर यह फिल्म कैसी है जाने माने फिल्म पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधू ने हीरोपंती टू के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा हीरोपंती टू सेंसर बोर्ड में देख रहा हूं ऑन एक्शन ही एक्शन टाइगर श्रॉफ डैशिंग लग रहे हैं फिल्म देखने के बाद उमेर संधू ने ट्वीट पर लिखा ओवरसीज सेंसर में से हीरोपंती टू का पहला रेवियो मोटे तौर पर यह फिल्म एक टिपिकल मसाला एक्शन एंटरटेनर है जो एक्शन में काफी हाई है और टाइगर श्रॉफ सिद्दीकी की परफॉर्मेंस बिना, बिना तो के बारे में बात करते हुए मैर संधु ने अदाकारा तारा सुतारिया की जमकर आलोचना की है उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा तारा सुतारिया बॉलीवुड की सबसे खराब एक्ट्रेस है जो मैंने अब तक देखी है सुंदरता जीरो एक्टिंग जीरो है hey, कौन लोग इस फिल्म दे, दे इस पे फिल्म दे देते हैं ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं तारा सुत तारास है इज द वर्स्ट एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन इन बॉलीवुड ब्यूटी विद जीरो एक्टिंग स्किल्स ओह गॉड कौन लोग इसको फिल्म दे देते हैं So, दिलचस्प बात यह है कि फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ की अप्रैल है। है को सिनेमाघर पहुंचने वाली है ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच होने वाली मेगा क्लैश पर हर किसी की नजर है आप इन दोनों में से किस फिल्म को पहला देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों तो टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी उस समय टाइगर श्रॉफ टीनेजर थे और अब सालों बाद एक्टर सिनेमा घरों में हीरोपंती दोबारा से पसंद करते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में सिनेमा घरों में मसाला फिल्मों का दौर लौट आया है दर्शकों को सत्य से परे एक्शन पसंद भी खूब रहा है

जरिए इकतीस मार्च को देश देश में टैक्स के नाम पर जमा होने वाला सारा पैसा लूटना चाहता है पहले पैसे के लालच में फंसा बबलू लैला की मदद करता है लेकिन उसका जमीर तब जागता है जब वो एक मां को इस जालसाजी का शिकार होता और जलील होता देखता है फिर क्या बबलू ही इस विलन की धज्जियां उड़ाने में लग जाता है लैला की बहन है नाया जिसे बबलू से प्यार हो जाता है देखिए फिल्म की बात करें तो टाइगर शॉफ इस बात में है। फिल्म में एक्शन कॉमेडी रोमांस डांस सब कुछ करते दिख रहे हैं टाइगर श्रॉफ जब फिल्मों में आए थे तो उन्होंने अपने एक्शन से सभी को चौंका दिया था लेकिन कई फिल्मों के बाद भी टाइगर का ना तो अंदाज पुराना हुआ है और ना ही उनके एक्शन का जादू धीमा पड़ा है इस फिल्म में भी टाइगर कुछ ऐसे एक्शन सीन्स करते नजर आ रहे हैं जिन्हें देख आपको अपनी साइंस और फिजिक्स की क्लास याद आ जाएगी टाइगर इस फिल्म में फुल पैसा वसूल है कहते हैं कोई हीरो उतना ही दमदार लगता है जितना उसके सामने खड़ा विलेन खतरनाक होता है लेकिन हीरोपंती में हैकिंग के जरिए देश को बर्बाद करने का इरादा रखने वाले विलेन का नाम लेना है अब ये किरदार नवाजुद्दीन सिद्दकी से बेहतर शायद ही कोई और निभा सकता है नवाजुद्दीन सिद्दकी पर्दे पर जब जब कुछ नहीं करते तब भी कमाल कर देते हैं शुरुआत के कुछ सीन्स में कहानी अचानक लंप लेती नजर आती है कई बार लगता है कि ये क्या हुआ लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको समझ आता है कि इस ये हुआ हुआ के पीछे की वजह क्या है हीरोपंती एक फलान मसाला फिल्म है जिसमें वो सारे मसाले हैं जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच के ला सकते हैं उनसे सीटियां बजवा सकते हैं हो सकता है आपको डांस भी निकल आए हाँ कहानी में कुछ जगह झोल है लॉजिक की गड़बड़ है लेकिन मसाला फिल्मों में अक्सर ऐसा ही झोल झाल दिखता है मैं इस फिल्म को तीन स्टार देने वाला हूं तो कोशिश करूंगा आपको यह फिल्म अगर पसंद आई होगी तो हो, आप भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहते हैं बॉलीवुड का यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत मूवी भीरो बनती से की थी अब एक लंबा सफर तय करके हीरो के साथ साथ वापस अपने एक्शन मोड में देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों के केस में मूवी की 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 बेहद शानदार कास्ट ने किसी भी तरह तरह कोई कमी नहीं छोड़ी है जिसमें टाइगर की, की अपने डांस और एक्शन से सभी को अपना देवाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि नवाज ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार के साथ न्याय करने में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा है तारा भी अपने किरदार में जच रही हैं फिल्म में अमृता सेन ने भी अपनी अभिनय से सभी को इंप्रेस कर दिया है बात डायरेक्शन के करे के बारे में बात की जाए तो कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान मूवी को एक्शन से लेकर डांस के केस में नए नेक्स्ट लेवल पर ले जाता चुके हैं मूवी के सिनेमाटोग्राफी कमाल की है भाई जिसे बड़े लेवल पर विदेशों में शूट किया गया है साथ ही मूवी का म्यूजिक बेहद कमाल का है जिसे ए आर रहमान द्वारा ए आर रहमान द्वारा कंपोज किया गया है ऐसे में कहानी काफी बढ़िया बताई जा रही है कोरियोग्राफर से निर्माता खान वाला बैनर तले बनी फिल्म में बड़े सेट प्रभावशाली लोकेशन और ए आर रहमान संगीत का इस्तेमाल किया गया है फिल्म एक महत्वाकांक्षी हैकर बबलू राणावत वास्तु में परिणामों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता वह अपने डिजिटल घोटाले से लोगों को ऑनलाइन वर्ग लाता है वह इन नाया से प्यार करता है जो अंतरराष्ट्रीय डिजिटल जाल साज की बहन है लैला एक प्रभाव प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो एक ऐप प्लस की सहायता से सा लोगों के पैसे उड़ाना चाहता है और उपयोगकर्ताओं के बैंक विवरण चुराता है लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यक होती है जो इतिहास में सबसे बड़ी डकैती करने में उसकी मदद कर सके इसमें उसका साथ को डेट करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात तो लैला के लिए काम करना और वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को ऐप के जरिए डकैती करने में उसकी मदद करना उसके बाद ही उसे इन्नाया मिल सकती है यह सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है तभी अचानक बबलू एक पीड़ित से टकराता है जिसकी भूमिका अमृत सिंह ने निभाई है और वो उसे अपनी मां भी बना लेता है जिसे बबलू के हैकिंग के जरिए ठगा था वह बबलू को अपने यहां ले आती है और दोनों के बीच माँ बेटे का रिश्ता बन जाता है नतीजा यह होता है कि लैला बबलू को मारने की कोशिश करता है लेकिन कहानी इसके बाद ही नया मोड़ लेकर आगे बढ़ती है एक प्रभावशाली कलाकारों की टुकड़ी अच्छे बजट और अद्भुत प्रदर्शन के साथ फिल्म अपना ध्यान खींचने में कामयाब होती है वही फिल्म में डिजिटल धोखाधड़ी के मुद्दे को सूक्ष्मता से दिखाया गया है हालांकि कहानी साइबर घोटाले के बारे में है लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से फिल्म में स्पष्ट नहीं हो पाता टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म में पकड़ बनाए रखी और शानदार प्रदर्शन भी किया है बॉलीवुड में कई चोरी आधारित फिल्में बनाई गई हैं लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस महत्वाकांक्षी पैमाने पर एक सामान डिजिटल डकैती एक्शन ड्रामा बनाने का प्रयास नहीं किया है फिल्म एक रॉक सॉलिड फैमिली एंटरटेनमेंट के रूप में देखी जा सकती है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखा था यह तो हम सभी जानते ही है दोस्तों इस फिल्म में उनके साथ कृति सैनन थी एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ हीरोपंती टू फैंस को लेकर आए हैं आज फिल्म जिन्हें घरों में रिलीज हो गई है फिल्म में एक्टर फिल्म में एक्टर तारा सुतारिया संग रोमांस करते देख रहे हैं तो नवाजुद्दीन से देखी विलन के रोल में नजर आ रहे हैं हीरोबंती टू को लेकर फैंस दे रहा है रिव्यू अहमद खान की फिल्म हीरोबंती टू को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस ट्विटर पर अपना रिव्यू दे रहे हैं फिल्म को उनके चाहने वालों का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है एक ट्विटर यूजर ने लिखा फुल एंटरटेनमेंट

रोपंथी टू ओवरसीज सेंसर से, से कॉल मिलाकर यह एक टिपिकल मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है, है इंटरटेनमेंट परिस साथ साथ की एक बेस्ट हिंदी फिल्म है, तारा सुतारिया की आलोचना उमेर संधु ने एक अन्य ट्वीट में हीरोपंथी टू एक्ट्रेस तारा सुतारिया के बारे में लिखा है उमेर लिखते हैं तारा सुतारिया बॉलीवुड में अब तक की सबसे खराब एक्ट्रेस है ब्यूटी विथ जीरो एक्टिंग स्किल्स हे hey भगवान कौन ऐसे लोगों को फिल्म दे देता है बता दे के फिल्म हीरोपंती वन में कृति सेनन थी फिल्म के गाने काफी हिट हुए थे वहीं अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 भी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है ऐसे में अजय देवगन और टाइगर शॉफ की फिल्म हीरोपंती टू के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है रनवे वे में अजय के अलावा रघुलप्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में दिखाई दे रहे हैं अप्रैल यानी कि आज के दिन टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया के हीरोपंती 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इसी के साथ फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस हीरोपंती 2 देखने के लिए थिएटर्स में पहुंचे चुके हैं और फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं अगर आप भी टाइगर के एक्शन और नवाजुद्दीन की एक, एक्टिंग के फैन हैं तो फिल्म को देख, देखने का प्लान कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले एक बार ट्वीट रिव्यू जरूर देख लें ताकि आप जानकर आपको मायूस ना होना पड़े तो फिल्म को लेकर एक यूजर ने नवाज की तारीफ करते हुए लिखा है यूरोपंथी टू सिनेमा घरों में लग चुकी है सभी जगहों से पॉजिटिव न्यूज आ रही है बाजा वजूल एंटरटेनमेंट फैंटास्टिक वर्क बाय नवाज एक्शन सीन्स प्लस शूटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज यूज जस्ट आउ पैसा वसूल एंटरटेनमेंट फिल्म क्रिटिक्स प्रशांत जैन ने फिल्म की फर्स्ट हाफ की तारीफ करते हुए लिखा हीरो बंती टू का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अभी इंटरवल हुआ है फिल्म एक्शन और खूबसूरत लोकेशन से भरपूर है लेकिन स्टोरी पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी नवाजुद्दीन अलग अवतार में है तारा सुतरिया हमेशा की तरह नजर आ रही है सेकेंड हाफ का इंतजार करते हैं सो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ हीरो बंती इट्स इंटरवल

एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए कहा एक अच्छी स्क्रीन प्ले के साथ हीरोपंती टू एक कंप्लीट एक्शन फिल्म है टाइगर अवश्यस्नीय है नवाज ब्रिलियंट है टाइगर इज अ फेनोमेनन नवाज इज ब्रिलियंट तारा इज जी आप हीरोइन क्यों बनी एक और यूजर को फिल्म पसंद आई और उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा वो एक्शन मसाला एंटरटेनमेंट इस फिल्म की अच्छी बातें टाइगर श्रॉफ और एक्शन रहमान के गाने अहमद खान का डायरेक्शन तो आइए और इंजॉय करिए हीरोपंती हीरो सिनेमा घरों में तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री तारा स्टारर फिल्म हीरोपंती टू सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरपूर है इसने से रिलीज से पहले ही अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है लेकिन सवाल यह है कि क्या दो साल बाद लौटने पर टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म को दर्शकों का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि उनके बाकी फिल्मों को मिला था फिलहाल ट्विटर पर हैशटैग हैशटैग हीरोपंती टू से प्रतिक्रियाओं की बार सी आ गई है फिल्म को लेकर ट्विटर पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है ज्यादा लोगों का कहना है कि यह फिल्म फुल पैसा वसूल है तो कुछ को टाइगर की इस फिल्म ने निराश भी किया है बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंथी फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था तब उनके साथ फिल्म में कृति सेनन थी डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म हीरोपंथी टू देखने के बाद ट्विटर पर लोग हैश टैग हीरोपंथी टू लगाकर लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि उन्हें उनके चाहने वालों को उन्हें भरपूर सपोर्ट और प्यार मिल रहा है कुछ को फिल्म में टाइगर और का जबरदस्त एक्शन बहाया है तो कुछ को फिल्म का फुल एंटरटेनिंग और पैसा वसूल बताया है हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने फिल्म को बकवास और झेल लव करा दिया है किसी का कहना है कि उनके पैसे बर्बाद हो गए हैं तो कोई कह रहा है कि पूरी फिल्म में टाइगर केवल उछलता कूदता ही नजर आता है कुल मिलाकर टाइगर की हीरोवंती टू को लेकर दर्शकों की मिली प्रतिक्रियाएं हैं

हीरोपंथी दिखाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह से फुस हुए कि लोग अब उन्हें तरह तरह के ताने देते नजर आने लगे हैं हीरोपंथी टू का ट्रेलर तो काफी धमाकेदार था लेकिन फिल्म उतनी धमाकेदार साबित नहीं हुई है इस बात को जनता चीख चीख कर बता रही है टाइगर श्रॉफ के लिए हीरोपंथी टू काफी अहम है क्योंकि ये उनकी जब भी फिल्म हीरोपंथी का सीक्वल है फिल्म देखने के बाद फैंस ने ट्विटर पर अपना रिव्यू दिया आइए जानते हैं फैंस का टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंथी टू कर कैसी लगी यानी क्या इंटरटेनमेंट हुआ हर एक हैरिक Hashtag hero 2. Hashtag one word review. Haddock, haddock, haddock. This is one of the worst film ever made in India. Each and every scene of the film are terrible and illogical. I can't describe more that how bad it was. So this was written by Shiva Satya. So another review. Hashtag Nawazuddin Siddiqui looks at hashtag tiger show of you during an action scenes and says Kya actor hai yaar? Isko to Oscar milna chahiye. तो ऐसे ही बहुत सारे रिव्यूज हैं इंटरनेट पर भड़े पड़े हैं टाइगर श्रॉफ और नाजुद्दीन सिद्धू की स्टारर फिल्म हीरोपंती सिनेमाघरों दस तक दे चुकी है हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि इनकी फिल्म सिनेमाघरों में लग चुकी है आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और एक्शन फिल्म हीरोपंती टू के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में यानी फिल्म दिन कितनी कमाई करने वाली है साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती टू अपने पहले दिन में कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर कर इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि आपने आपको मालूम है कि बजट सौ करोड़ रुपया बताया जा रहा है लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इक्कीस सौ स्क्रीन से ज्यादा पर रिलीज किया गया है इस वजह से माना जा रहा है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा होने वाला है पब्लिक से लेकर क्रिटिकल्स तक तीन स्टार दिए गए हैं इतना अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आपने पहले दिन चौदह से पंद्रह करोड़ की कमाई कर सकती है अगर हमारा बताया गया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सही रहता है तो आपने पहले हफ्ते से ही बजट में रिकवर कर जाएगी अपना पूरा कलेक्शन लेकिन अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो कम से कम 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी अगर आपने हीरोपंथी टू फिल्म को देख लिया है और आपको हीरोपंथी टू कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप फिल्म को हिट करेंगे सुपरहिट कहेंगे या फिर फ्लॉप कहेंगे आपका जो कुछ भी अनुमान है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं और हम आपके लिए लगातार हीरोपंती टू और टू के बॉक्स ऑफिस का लेक्शन अपडेट लेकर आते रहेंगे लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर हीरोपंती टू को एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो सौ करोड़ रिकवर करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की जरूरत करनी होगी यानी कि अगर फिल्म डेढ़ सौ करोड़ रुपए का कमाई कर लेती है तब जाकर हीरोपंती टू को पचास करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है लेकिन आज के दिन टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती टू को अमिताभ बच्चन और अजय देवगन देवकर रनवे थ्री फोर का सामना करना पड़ेगा अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी फिल्मबाजी मार सकती है जानकारी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें बॉक्स ऑफिस पर आज दो बड़ी दिग्गजों फिल्मों में भड़ंत होने वाली है

हीरोपंती देखने वाले दर्शकों ने अपनी सोशल मीडिया पर इसे शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया है एक यूजर ने लिखा भाई कंचन तो एकदम फ्रेश है और स्टोरी भी दमदार है पैसा वसूल फिल्म है सिर्फ नवाजुद्दीन के लिए भी आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं फैंस जैसे जैसे फिल्म देख रहे हैं वैसे वैसे अपने रिएक्शन सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वहीं टाइगर श्रॉफ के फैंस ने तो इसे देखने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहा ही ली है

फिल्म रनवे 34 भी भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का फर्स्ट या फोस्ट आप बेहतरीन बताया जा रहा है अक्षय कुमार रितेश देशमुख समेत कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है फैंस भी इसकी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं रनवे 2 टू में दो दिग्गज कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं इसका असर फिल्म के कलेक्शन में देखने को मिलेगा और 99 पहले दिन 2 करोड़ की ओपनिंग से ले सकती है रकुलप्रीत का काम भी फिल्म में बेहतर है इस इसकी खास बात यह है कि इसका निर्देशन अजय देवगन ने ही किया है एक आगामी हिंदी फिल्म 28 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म हीरोबंदी 2 यह फिल्म अहमद खान द्वारा निर्देशित है और इसमें चाइगा श्रॉफ द्वारा तारा सुतरिया अभिनय राज सिंह और नवाजुद्दीन सिद्ध की मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे अन्य लोकप्रिय अभिनेता हीरोपंती के लिए चुना गया था वे हैं मार्क राइनो स्मिथ फिल टिलोट और अतुल शर्मा फिल्म की कहानी एक ऐसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो रात में लोगों को डकैती या अपहरण अप से बचाने में मदद करता है भारत सरकार टाइगर श्रॉफ के बारे में पता लगाती है उसे एक मिशन पर भेजती है जहां उसे रात में रूसी सैनिकों को मारना होता है कहानी चरमोत्कृष्ट पर पहुंचती है और कुछ गलत हो जाता है और लोग मान लेते हैं कि वह रूसी सैनिकों का नेता है ये क्या लिखा हुआ है यार बिल्कुल उल्ट पुलट लिखा हुआ है हीरोपंथी ऐसी नहीं है भाई इस पे मत जाइए ये रिव्यू गलत है हॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत हीरोपंथी से की थी अब टाइगर एक लंबा समय सफर तार करने के बाद हीरो हीरोपंती टू के साथ वापस आ चुके हैं फिल्म का हीरो यानी बबलू राणावत एक एम्बिशियस हैकर है तो नतीजे की परवा लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में एक इंटरनेशनल डिजिटल टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म हीरोपंती टू आज सिनेमा में दस्तक तक दे, दे, दे चुकी है फिल्म टाइगर और उनके फैंस के लिए बेहद ही खास है क्योंकि इससे पहले पार्ट वन के जरिए ही टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में कदम रखा था टू में तारा सुतलिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अहम रोल में निभा रहे हैं बीती रात ही मुंबई में हीरो का आयोजन किया गया था और इस दौरान बॉलीवुड के तमाम हस्तियां शॉफ की फिल्म देखने पहुंची टाइगर श्रॉफ की खास दोस्त दिशा पटानी भी टू की स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के दौरान नजर आई से दिशा पटानी का एक वीडियो सामने आया है जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हीरोपंथी टू की स्क्रीनिंग पर दिशा पटानी हल्के पर्पल रंग की खूबसूरत ड्रेस में नजर आई इस ड्रेस में वह बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग से पहले दिशा पटानी पेपराजी के सामने जमकर पोज देती हुई नजर आ रही है इस वीडियो को देखते ही लगता है कि दिशा पटानी के हैंड बैग पर गया और फिर क्या लोग कल रात से दिशा पटानी के नए वीडियो पर लगातार कमेंट करते जा रहे हैं दरअसल दिशा पटानी इस दौरान बहुत ही छोटा सा हैंड बैग कैरी किए हुए नजर आई थी अब दिशा पटानी के बैग के साइज की खूब चर्चा हो रही है एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया सोचकर हैरान हूं कि आखिर दिशा इस बैग में क्या रखती होगी एक दूसरे यूजर ने लिखा इस बैग में क्या रखा गया होगा एक और शख्स ने लिखा हाथ में नहीं होता अगर ये तो हवा में

चिरंजीवी और रामचरण की मल्टी स्टार फिल्म आचार्य भी आज ही के बिना सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है कोरताला शिवा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म में पूजा हेगड़े लीडिंग लेडी के रोल में नजर आ रही हैं। यह फिल्म साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी वैसे भी आरआरआर और केजीएफ चैप्टर टू की भारी सफलता के बाद दक्षिण की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार था आचार्य में बाहुबली की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी का कैमियो देखने को भी मिलेगा जो फैंस के लिए काफी एक्साइटेड है फिल्म के ट्रेलर ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था चिरंजीवी और बेटे रामचरण के साथ देखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे ईद के मौके पर इस हफ्ते अजय देवगन की रनवे में थर्टी फोर और टाइगर श्रॉफ की हीरोमती टू रिलीज होने वाली थी होने वाली थी क्या हो चुकी है और इसका पहला और लोगों ने देख भी लिया है हीरो हीरोमती की एडवांस बुकिंग कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हुई है ऐसे में फिल्म पहले दिन अच्छा कलेक्शन कर सकती है

कादेल के मुताबिक हीरोपंती 2 की एडवांस बुकिंग बेहतरीन हुई है मुंबई से दिल्ली एनसीआर इंदौर पुणे सूरत चंडीगढ़ कोलकाता में भी फिल्म को अच्छी बुकिंग मिली है ऐसे में फिल्म ट्रेड पंडितों का चौंका सकती है टाइगर श्रॉफ की मास ऑडियंस से अच्छी पकड़ है जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक यदि ऐसी तरह की बुकिंग रही तो फिल्म अपने पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर सकती है दोस्तों नए हफ्ते की शुरुआत के साथ लोग हर शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में रिलीज होने वाली फिल्में वीकेंड के लिए एक परफेक्ट एंटरटेनर साबित होती है ऐसे में अगर शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म की सूची पहले ही मिल जाए तो इन्हें देखने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की जा सकती है इस शुक्रवार के, के दो बड़े कलाकारों की मुकाबले के लिए तैयार है।, है तो, जानते हैं इन फिल्मों के बारे में। तो पहले नंबर पर है हीरोपंथी टू टाइगर श्रॉफ और तारा सो स्टारर फिल्म फिल्मी टू इस शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है और इसका पहला शो लग भी चुका है यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो रातों रात में लोगों की मदद करता है बाद में इस शख्स को एक मिशन के लिए रूस भेजा जाता है लेकिन बाद में हालात उसी के खिलाफ हो जाते हैं ऐसे में वो कैसे इन मुश्किलों को पार करता है ये जानने के लिए फिल्म फिल्म देखनी पड़ेगी इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है तो दूसरी फिल्म है रनवे थर्टी सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म रनवे वे थर्टी कैप्टन विक्रांत खन्ना और उनके जीवन से घटित घटना क्रम पर आवधारित है विक्रांत खन्ना नामक पायलट के किरदार में नजर आएंगे फिल्म की कहानी पायलट द्वारा उनके यात्रियों को बचाने के निर्देशन में, में। अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रकुल प्रीत भी दिखाई देंगी तो तीसरी फिल्म है आचार्य के निर्देशन में बनी आचार्य में चरण पहली बार अपने पिता चरंजीवी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे सोशल सोशल पॉविटिक ड्रामा इस फिल्म की कहानी एक मध्यम आयु वर्ग के नक्सली समाज सुधार के इर्द गिर्द घूमती है चिरू और रामचरण के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े सूद जिशु सेन गुप्ता विनला किशोर सौरव लोकेश पोसानी कृष्ण मुरली तनकेला भरणी अजय संगीता बनर्जी और कई अन्य भी सहायक भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे और चौथी फिल्म है चंद्रमुखी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह मराठी फिल्म भी शुक्रवार को रिलीज की जाएगी फिल्म की कहानी अस्सी के दशक की है एक संगीतमय प्रेम कहानी से प्रेरित है प्रसाद ओक की निर्देशों में बनी इस फिल्म में अमृता खानविलकर और आदिनाथ को लीड रोल में हैं तो दोस्तों हीरोपंती टू टाइगर श्रॉफ की बहुत प्रत्यक्षित फिल्मों में से एक है जो कि आज के दिन यानी उन्तीस अप्रैल दो हजार को अजय देवगन और बिग बी स्टारर रनवे 34 के साथ घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है अहमद खान द्वारा निर्देशित लोकप्रिय की अगली बॉलीवुड अभिनेता के साथ उम्मीद है, तब से फिल्म सुर्खियां रही है। फिल्म की को देखते हुए है कि टू बॉक्स पर अच्छा प्रदर्शन करेगी इतना ही नहीं आपको बता दें के टिकटों की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है इसके अलावा टू में तारा सोतारिया भी दिखेंगी इस फिल्म में टाइगर बबलू की भूमिका निभा जो दुनिया भर में साइबर अपराधों को रोकने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की के साथ हॉर्न बजाते हुए दिखाई देंगे हीरो को तो हीरो मत सिखा और तेरे इस बाप को छू मत सिखा असली हीरो बंदी लोगों से जीतने में नहीं लोगों को जीतने में